शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रघुकुल भूषण राम के अभिषेक का मुहूर्त था। रघुकुल भूषण राम के अभिषेक का मुहूर्त था। पिता का मान रखने उन्होंने वन में जाना स्वीकार किया। सारी धूमिल हो गई खुशियां, चली मैया सीता भी वनवास में। ये पावन कथा रामायण की अमर है इतिहास में भाई, अमर है इतिहास में भाई, अमर है इतिहास में। तो भाई अमर है ये कथा हमारे इतिहास में। हमारी कथाओं में नारी बहुत बलवान है, नारी है रत्न की खान, नारी कभी ना थकने वाली, नारी है भगवान समान। तो जो हजारों सालों से हम लोग जी रहे हैं, तो जो हजारों सालों से जो हम लोग जी रहे हैं और ना समझे हम जीने का अर्थ, तो जीने का मतलब है एकदम बेकार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा हमारे भाई हसमुख की। हाँ, तो जो मेरा मित्र था ना हसमुख, वो हंसा ही नहीं तो जिंदा भूत बन गया। और आज मैं आप सबको इसी मित्र की जिंदा भूत की कहानी सुनाऊंगा। मेरा दोस्त हसमुख लाल, उसे तो मैं हमेशा कहता हूँ, पर मैं कहूंगा ना कि जितने कुआ रहे वो लोग जी रहे, और जिनकी शादी हो गई ना, मंदाकिनी नाम की एक सुंदर कन्या के साथ ये हमारा हसमुख प्रेम में पड़ गए। और उस मंदाकिनी के साथ हमारे हसमुख ने फेर तो ले ली और किसी को खबर भी नहीं हुई, और हसमुख और मंदाकिनी की शादी हो गई। मंदू मेरे बापूजी है ना, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मतलब पुराने ख्यालात के हैं। तो ऐसा है ना कि पहले उन्हें शांत करके उनके पैर पढ़ के फिर तुम्हें मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। प्रॉमिस का वादा करता हूँ तुमसे, प्लीज। देखो भगवान साक्षी है, ये अग्नि साक्षी है, हमने शादी की है, लेकिन ये बात तुम किसी से मत कहना। हमारे हसमुख लाल ने मंदाकिनी के साथ शादी तो कर ली, लेकिन बीवी को घर ले जाने में उनको मौत आ गई, क्योंकि उनके बापूजी जो है ना गुस्सा नाक पे नहीं सब जगह रखते हैं। बापूजी मुझे आपसे कुछ अच्छा बात हुआ, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। चार दिन से सोच रहा हूँ कहूँ पर भूल जाता हूँ। बेटा देखो अब मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं आज हूँ और कल नहीं, तो पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना पड़ेगा, मना मत करना। ठीक है, दिया वचन। अब बताओ। बापूजी मैं मंदाकिनी नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ। हैं? हाँ, और मैं ऑलरेडी उसके साथ। क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं किया मैंने, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। शर्म नहीं आती नालायक? हैं? ऐसे संस्कार दिए मैंने तुझे, माँ बाप से बिना कुछ पूछे प्रेम विवाह करने का फैसला कर लिया तुमने। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तेरी शादी होगी जयंती की बेटी श्रीदेवी के साथ। बापूजी मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे तुझे पता है मेरे व्यापार में जब नुकसान हो रहा था तो पूरे समाज ने मुंह फेर लिया था, सिर्फ जयंती था जिसने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ। अरे तुझे याद है 12 साल का था तू जब कुएं में गिरा था,
तब आगे पीछे देखे बिना जयंती कुएं में कूद पड़ा। बेचारे का सर टकराया कुएं की सीढ़ी के साथ और वो वहीं मर गया। बेचारी श्रीदेवी अनाथ हो गई। इसलिए मैंने वचन दिया उसकी चिंता पर कि तू चिंता मत कर, तेरी बेटी श्रीदेवी को मेरे घर की लक्ष्मी बनाऊंगा। और तू, तुझे प्रेम विवाह करना है? पर बापू जी, मैंने उसके साथ। अगर तुम प्रेम विवाह करोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम्हारी शादी होगी तो श्रीदेवी के साथ ही। हाँ। किसी किसी को जीवन भर एक साथी नहीं मिलता, पर हसमुख को दो दो साथी मिल गए, है ना गजब। उसने मंदाकिनी से लव मैरिज की और बापूजी ने आशीर्वाद के रूप में श्रीदेवी से शादी करा दी। हा 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 हा, किसी आदमी का नसीब खराब हो तो उसकी शादी हो जाती है, पर उसका नसीब बहुत खराब हो ना तो दो दो बार शादी होती है। लव मैरिज करने के बाद हमारे हसमुख लाल ने मंदाकिनी को बड़ौदा में सेटल किया और उधर बापूजी के आशीर्वाद से श्रीदेवी के साथ शादी करके अहमदाबाद में सेटल हो गया। एक मजेदार बात और, अपने हसमुख भाई इतने सीधे थे कि एक ही साल में दोनों बीवियों के पैर भारी कर दिए, है ना। 24 साल की शादी में उसने 84 साल की जिंदगी जी ली, पर क्या खाक जिंदगी जी ली। पूरा थक के पक गया वो इंसान, कभी जी ही नहीं पाया, मन से खुश नहीं रहा, घर और व्यापार दोनों पर ही ध्यान नहीं दे पाया। घर और व्यापार दोनों चलाने के लिए हसमुख लाल ने कर्जा ले ली। अरे कर्जा देने के लिए मैं कभी किसी ने ना नहीं बोलता, पर हाँ, कर्जा लेने से पहले ये सारी फोटो तो देख लेता हूं। तन्ने मालूम है किन की फोटो है ये? ये आपके फैमिली वाले हैं? सॉरी सॉरी भाई, जो लोग कर्जा चुका नहीं पाए ना, ये उन लोगों की फोटो से है। रे घबरा रहा क्यों है? मैं किसी ने जान से नहीं मारता। तो भाई उस टाइम सीन ही कुछ ऐसा हो जाता है कि कर्जा लेने वाला आत्महत्या कर लेता। अरे भाई मैं कोई साफ सुटर उटर नहीं रखता, तो ट्रक ड्राइवर रखता हूं। ट्रक ड्राइवर किस लिए? भाई जो न दे मारी पेमेंट उसका हो जाता है एक्सीडेंट। अरे जो जाए भूल मारा पैसा। अरे मैं नहीं भूलने वाला आपका पैसा, कभी नहीं। पर ब्याज के चक्रव्यूह में से बचने के लिए हमारे मित्र हसमुख लाल ने एक तरकीब निकाली, मंदाकिनी और श्रीदेवी के बीच की भागम भाग से भी बच जाए और ब्याज का पैसा देने से भी बच जाए। उसके लिए उसने अपने आप को मार डाला। और लेकिन एक जगह ऑन पेपर मर गया और दूसरी जगह जिंदा रहा, और हसमुख लाल का एक ही जिगरी लंगोटी दोस्त जो दोस्ती बहुत पक्की निभाता है, रजनीकांत। पर यह रजनीकांत हीरो से अलग है। चार प्याज काट के आंखों में प्याजीले आंसू लेके मंदाकिनी के पास झूठी खबर लेके पहुंचा कि मेरा दोस्त आपकी मांग का सिंदूर अब नहीं रहा। क्या हुआ बाबा? क्यों रो रहे हो? और ये प्याज की बदबू कहाँ से आ रही है? प्याज की बदबू को छोड़िए ना श्रीदेवी भाभी, मंदाकिनी भाभी, हसमुख की समुन्दर में डूबने की वजह से बहुत हो गई है। क्या? नहीं नहीं, उसकी बॉडी भी नहीं मिली। नहीं, मछलियां बूफे समझ के खा गई। ओ तेरे भाई, यो कैसे हो सकता है? सदमे की वजह से आप मर्द की आवाज में बोलने लगी भाभी। नहीं नहीं, पीछे खड़े भाई साहब बोल रहे हैं। मारा नाम सब भूरा भाई, थारा दोस्त हसमुख ने मुझसे 5 करोड़ रुपए ब्याज पे कर्जा लिया था और अब तू मने पैसा देगी? मैं कहाँ से दूँ? भगवान आपकी आत्मा को भी शांति दे भाई। वो हैरान हुआ, परेशान हुआ, वो दंग हो गया रे। ये कहानी तेरी कहानी से बहुत मिलती हुई है अशिया? अबे मिलती हुई नहीं है, ये मेरी ही कहानी है, समझा गधे? हाँ, कुछ दिन पहले साईराम भाई से दिल खोल के बात की थी और आज मेरी कहानी जनहित में जारी कर दी। और ये मुझसे क्या कहते थे? नाम बदल दूंगा। नाम बदला? हसमुख ही रखा ना, तो तू तेरा नाम बदल लेना। मरे हुए आदमी का कोई नाम बदलता है क्या? मेरी मंदाकिनी और मेरे आकाश के लिए मुझे जीते जी मरना पड़ा, और तेरा ये दोस्त हसमुख जोबन पुत्रा जीता जागता भूत बन गया। अरे तू चिंता मत कर, खुश रहे, कल तेरा हैप्पी बर्थडे टू यू है। टू इन वन है भाई, है? हैप्पी बर्थडे भी और श्राद्ध भी है।
मम्मा कहाँ हो आप? यहाँ किचन में। लीजिए, डैड के लिए केक लाई हूँ। ओह वाओ, वेरी गुड। अच्छा सुन, आज मैंने भी उनकी सारी मनपसंद डिशेस बनाई हैं। क्या बात है, तो आज डैड का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आकाश। हाँ मम्मी। ले बेटा, आज मैंने तेरे पापा का मनपसंद खाना बनाया है। आज उनका श्राद्ध है ना? हाँ। जा ऊपर छत पर जाकर ये कौओं को खिला दे। वैसे कितनी अजीब बात है ना मम्मी, आज ही पापा का जन्मदिन भी है और आज ही श्राद्ध भी है। उसे कुकर्मों का फल कहते हैं बेटा। है? नहीं मतलब किसी और के कुकर्मों के फल की पोटली मेरे दोस्त को लगी होगी, उसी में ये सब हुआ। चलो चलो कौओं को पिंड दे चलो। अरे क्या कर रही हो बेटा? चलिए चलिए डैड। क्यों दे रही हो? चलिए ना। पागल हो गई हो क्या? सरप्राइज। कम ऑन डैड, ब्लो द कैंडल्स। यस मैम, और कुछ चाहिए? तुम्हें कोई स्पेशल डिश मंगानी है बेटा? नहीं मम्मा। नहीं ना? ओके। नो सर, थैंक यू सो मच। ऑर्डर थोड़ा जल्दी लाना। बहुत भूख लगी है मुझे। है ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है इन लोगों को आने में। कैसा रहा मेरा श्राद्ध? बेचारा डर गया। कैसा आदमी है तू? शांति से हो गया ना मेरा श्राद्ध? तू दुनिया का पहला ऐसा आदमी है जो ये पूछ सकता है कि शांति से हुआ ना मेरा श्राद्ध। मोक्ष मिल गया ना साला। तू यहाँ अहमदाबाद में मजे से केक खा रहा था और मैं वहाँ बड़ौदा में कौओं को पिंड खिला रहा था। पूरा दिन गया कौओं को बुलाने में। कौए आए या नहीं? इस साल भी नहीं आए यार। तो अगले साल आ जाएंगे। आजा रजनी, बैठ। कहाँ गया? कितनी देर लगा दी हसमुख? बहुत लंबी लाइन थी। कहाँ लाइन थी? बाथरूम में। बहुत लंबी लाइन थी। बहुत लंबी लाइन थी। डैडी, सिर्फ डिनर से काम नहीं चलने वाला, मुझे मेरी पसंद का रिटर्न गिफ्ट चाहिए। अरे दूंगा, तू मांग तो। तो मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझसे ना नहीं कहेंगे। तुम्हें पहले मुझे एक वचन देना पड़ेगा, मना मत करना। नहीं नहीं बेटा, एक बार ऐसा वचन दिया था, आज तक पछता रहा हूँ, दोबारा पछताना नहीं चाहता। कब? जाने दो ना, वो सब पुरानी बातें हो गई, तुम्हें क्या करना है बेटा? तू बोल बोल, क्या चाहिए तुझे रिटर्न गिफ्ट में, तू बोल। ओके, तो मुझे ना एक बाइक चाहिए। बाइक? हाँ। नहीं बेटा। हाँ। नहीं नहीं, बाइक नहीं। देख बेटा, देख, तेरे पास एक्टिवा है ना? हाँ। तो एक्टिवा चला। हाँ? पर मम्मा। नहीं बेटा, बाइक लड़कों के लिए होती है, लड़कियों के लिए नहीं। हाँ। मम्मा, आप लड़के लड़कियों में फर्क करती हैं, वो भी आज के जमाने में। डैड। नहीं बेटा, तू मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। आज अगर तुझे भाई होता ना तो उससे भी ज्यादा लाड़ लड़ाता, उससे ज्यादा वक्त देता तुझे, है ना रजनी? इसे मैं बेटे से भी ज्यादा वक्त देता हूँ या नहीं? हाँ? यानी देता ना। हाँ, हाँ। पर बाइक नहीं बेटा। लेकिन डैड, तुझे और जो चाहिए मांग, कार मांग, पर बाइक नहीं। मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं। यार हेलो, तुम्हारा एड देखा मैंने लेलो दे दो पर, तुम्हें बाइक बेचनी है ना? नाम क्या तुम्हारा?
मेरा नाम है सपना जोबनपुत्रा। अरे वाह, मेरा नाम है आकाश, आकाश जोबनपुत्रा। सेम सरनेम। वैसे तुम्हारे पापा का नाम क्या है? क्यों, पापा का नाम नहीं बताऊंगी तो बाइक नहीं बेचोगे? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाह रहा था। उनका नाम है हसमुख जोबनपुत्रा। क्यों क्यों जोक मार रही हो? अरे अरे, मेरे पापा का नाम भी हसमुख ही था। बोलो। था मतलब नाम बदल दिया क्या? नाम इतना भी खराब नहीं है। अरे नहीं नहीं, उनका नाम नहीं बदला है, उनकी दुनिया ही बदल गई है, गुजर गए। I'm so sorry. अरे रे, it's okay, it's okay. तुम्हें मेरी बाइक लेनी है ना, तो एक दो दिन में आके मिल लो मुझसे। हाँ, पर मैं अहमदाबाद में रहती हूँ तो तुम्हें बाइक लेके यहाँ आना पड़ेगा, चलेगा ना? यस यस, व्हाई नॉट, आऊंगा आऊंगा। ओके, तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें यहाँ कब आना है। तो मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लेता हूँ। ओके बाय बाय। सपना जोबनपुत्र। आकाश, चाय ठंडी हो जाएगी। भाभी, चाय बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू। अरे मम्मी, रजनी काका, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? अरे वो मैंने बाइक बेचने के लिए नेट पे ऐड डाला था ना, तो अहमदाबाद से मुझे एक लड़की का फोन आया, और उसका नाम क्या था आप लोगों को पता है? क्या? सपना हसमुख लाल जोबनपुत्रा। क्या हुआ रजनी भाई, अभी तो आपने कहा कि चाय अच्छी है। चाय तो बहुत अच्छी है, दिन खराब है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे पर बाथरूम वहाँ पर है। मुझे बाथरूम का नहीं, दूसरा जरूरी काम है। अरे कमाल है। नहीं मम्मी, फोन 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 फोन, पागल हो गए ये। अरे पर क्या हुआ रजनी, तू इधर खींच क्यों रहे हो? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तेरे पजामे का नाड़ा छूटने वाला है। अरे तू नंगा होने वाला है भाई। अरे गधे, मैं सब इम्पोर्टेड इलास्टिक का पहनता हूँ। अरे मजाक क्या कर रहा है तू? क्या हुआ? आकाश और सपना मिलने वाले हैं। क्या? हो गया ना इलास्टिक ढीला। अरे पर ये कैसे हो सकता है? वो दोनों एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? तेरी सपना, उसने क्या किया? सपना ने सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए ऑनलाइन सर्च मारा, उसमें आकाश टकराया। उसकी तू क्यों माथा पीट रहा है? टेंशन, अब क्या कर रहे हैं? तू मुझे क्या पूछ रहा है? हाँ भाई, एक पल तो हार्ट अटैक आ गया था। भगवान, इस लड़की को उसी दिन बाइक दिलवा देनी चाहिए थी यार। अब कुछ तो करना होगा, कोई ना कोई हेरा फेरी तो करनी ही पड़ेगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसमें बांसुरी नहीं, पुंगी बजेगी। तू अपने बैंड से नहीं, मेरे ब्रेन से सोच। देख, अगर बाइक ही नहीं होगी तो आकाश बेचेगा क्या? बाइक को गायब कर देंगे। गायब मतलब? गायब मतलब गायब। देख, बरोड़ा के बंगले की डुप्लीकेट चाबी है मेरे पास, बंगले में घुसकर बाइक को चोरी कर लेंगे हम। ठिकाने पे दिमाग है, हम पकड़े गए तो? तेरी तरह यहाँ लिखा है क्या मुझे? अरे देख क्या रहा है तू, 24 साल से दो दो घर मैनेज कर रहा हूँ, भले उसमें तू कुंवारा रह गया पर मैं पकड़ा गया। तू मेरा प्रॉब्लम याद मत दिला। हाँ, तेरे प्रॉब्लम की चिंता कर, चल। डोंट वरी, सब सोच लिया है मैंने। यू जस्ट फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। इतनी रात गए सांड यहाँ, लगता है इसको भूख लगी है। खाने के लिए चाहिए तुझे? वाह वाह, मेरी बात समझता है। Thank you.
कहाँ जा रहा है तू? मंदा को एक बार देख लूं। बहुत टाइम से मैंने मंदा और आकाश को देखा नहीं है, एक बार देख लूं। आजा, सुबह नाश्ता करके आना। ए हसमुख, क्या है, अपने ही घर में चोरी करने आए हो क्या? कौन है? मेरी मनपसंद कुर्सी, बहुत बैठा हूं मैं उस पे, एक बार बैठ लूं प्लीज, एक बार। जा जा। चेयर क्यों हिल रही है? भाभी ने तो तुझे भूत मान लिया, तो अभी क्या? सब लोग कह रहे हैं कि मेरे पापा के भूत ने बाइक चोरी कर ली है, लेकिन भूत कैसे बाइक चुरा सकता है? हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ। चल ठीक है, बाद में बात करते हैं। भाभी, क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? रजनी भाई, कितना लेट आए हैं आप। आधी रात को तो गया। क्या मतलब? आधी रात को मेरी तबीयत बिगड़ी, दवा खाई और सो गया। क्या हुआ? कल रात को हसमुख का भूत आया था
और वो भूत ना आकाश की बाइक ले गया। सच कहूँ ना भाभी, तो मुझे भी कभी कभार हसमुख का भूत दिखता है। और इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या? इसका मतलब ये है कि उनकी आत्मा भटक रही है, उनकी कोई कोई इच्छा अधूरी है। अरे पर उसने अपनी हर एक इच्छा दो दो बार पूरी की है। नहीं नहीं, इच्छा अधूरी हो तभी आत्मा भटकती है। हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए विधि करवानी पड़ेगी। हाँ। तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। सॉलिड है, सॉलिड आइडिया आया है मुझे। हा? वो तांत्रिक को बुलाकर विधि करवाएंगे ना, हा? तभी मैं वहाँ भूत बनकर प्रकट होगा और आकाशवाणी करूँगा। आकाश, तो सपने में भी सपना से मिलने नहीं जाएगा। भूत? हाँ, अद्भुत। मंदाकिनी से कह दो विधि करवाओ। जय माँ काले, तेरा वचन न जाए खाले। आजा, 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 बस। अब बाबा जी, मेरे पापा का भूत आ तो जाएगा ना? आएगा, जरूर आएगा। भूत गिरी में PhD की है। जब भी किसी भूत को बुलाता हूँ वो दौड़ा चला आता है। तुम अपना फोन स्विच ऑफ करो। हाँ जी, हाँ जी। सभी लोग अपने अपने फोन स्विच ऑफ कर दो। ठीक है। तेरा भी बाकी है। इसको कैसे पता चला? सिद्ध पुरुष है ना। जब भूत आएगा तो कोई भी डरना मत। सचमुच भूत आया तो आप मत डरना महाराज। भूत भूत से मुझे डर नहीं लगता, बहुत भूत देखे हैं। नाम क्या है? रजनीकांत। रजनीकांत हाजिर हो। मैं तो यही हूँ। तो पार्टी का नाम क्या है? ओ, मंदाकिनी बेन। मंदाकिनी अभी हाजिर हो। वो भी यही है। अरे तो भूत किसका बुलाना है? हसमुख भाई का। बजा छिलके। आजा, 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 शांत। ए हसमुख लाल, ध्यान से सुन। तेरी पत्नी, पुत्र, मित्र और वॉचमैन ने तेरी आत्मा की शांति के लिए ये तांत्रिक विधि रखी है। तू फौरन हाजिर हो, बिना कोई ड्रामा किए। फोन स्विच ऑफ करने के लिए बोला था ना? स्विच ऑफ भी है महाराज। तो बच क्यों रहा है? पता नहीं ये। हेलो एवरीबॉडी। मम्मी, कौन है ये? आपको दिखाई नहीं देता? ये आत्मा है, मेरे पति देव की आत्मा। भाई, अबे बकुड़ियों कहाँ जा रहे हो? अरे, कितनी बार मैंने विधि की, आज तक कोई आत्मा नहीं आई। आज ये अचानक कहाँ से आ गई? अब मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? इनको वापस कैसे भेजेंगे? ये तो इनका ही घर है ना, तो यही तय करेंगे कब आना है कब जाना है। अब मुझे जाने दो। तांत्रिक जी, आकाश के पापा आप आ गए। हाँ मंदा, गायब हो गए। मैं यहाँ पर हूँ। भाभी, आत्मा अदृश्य हो जाएगी। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? आत्मा का रूप, रंग, स्वाद, आकार नहीं होता। आत्मा के पास सिर्फ अधूरी इच्छा होती है। मुझे लगा ही था कि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। कौन सी इच्छा थी वो? मेरी शादी की इच्छा अधूरी है। फिर से शादी करनी है तुझे? अरे मुझे करनी नहीं, करवानी है। किसकी? मेरी? आप बिना। अरे तुम्हारी नहीं, आकाश की। तेरी शादी? पर पापा, मुझे भी शादी नहीं करनी है। अभी तो मेरे मजा मस्ती करने के दिन है पापा। मजा मस्ती कर, पर इतनी नहीं कि सजा मिल जाए। मुझे बेवकूफ मत बना, मुझे तेरी सारी खबर है। तू कहाँ जाता है, क्या करता है, किस लड़की से तू बात करता है? पापा, आपको ये सब कैसे पता है? बाप हूँ तेरा, ऊपर से भूत हूँ, बाप भूत हूँ। देखा, तू आजकल सपना जुबन पुत्र नाम की लड़की से बात कर रहा है,
पर मेरी बस फोन पे बात हुई थी, मैं तो उसे मिला भी नहीं। मिलना भी नहीं, पापा उस लड़की से मिलने की कोशिश भी मत करना। पर क्यों पापा? सुनो मंदा, अगर ये लड़का सपना से मिला ना तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। सुना तूने? और हाँ, सपना को इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी मिलने के सपने मत देखना, समझा? अरे पर क्यों? तू उसका नंबर ब्लॉक कर दे। पर मम्मी, अभी क्या भी ब्लॉक कर? ब्लॉक कर दो, बोल दिया ना। बोल, बहन है तेरी? बहन है तेरी? मेरी नहीं, तेरी। मेरी, मेरी, मेरी। मंदा, इस लड़के की मुझे बहुत चिंता हो रही है, इस पर नजर रखना, ध्यान रखना इसका, भागे नहीं। चलो चलता हूँ। सुनिए। सुन रहा हूँ। वादा कीजिए ना मुझसे। कैसा? ना मत कहिएगा। बोल। आप इस घर में आते जाते रहेंगे। I miss you. नहीं मंदा, नहीं, उस घर से इस घर आने में बहुत तकलीफ होती है। तू यही चाहती है कि मैं भूत योनि में भटकता रहूं, तड़पता रहूं? नहीं 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 ना? नहीं। तो फिर प्रार्थना कर मंदा कि मेरी भटकती आत्मा को शांति मिले। प्रार्थना कर। प्रार्थना आंख बंद करके की जाती है मंदा। आ गई तुम? लो नाश्ता करना। क्यों नहीं करना नाश्ता? तो जूस पी ले। मुझे नहीं पीना मम्मा। कोई प्रॉब्लम है बेटा? फोन खराब हो गया? नहीं डैड। तो वो आकाश जोबन पुत्रा से बाइक की बात पक्की हुई थी ना? हाँ हाँ, हम मिलने भी वाले थे। अब उस गधे का फोन ही नहीं लग रहा। तो भूल जाना उसको। हाँ देख, बाइक उसकी है, उसको बेचनी है, उसको कॉल करने दे। बायर्स आर ऑलवेज गॉड, है ना श्रीदेवी? हाँ सही कहा। तो बाइक उसकी है, उसी को बेचनी है, तो फोन वो करेगा ना, उसमें तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? तो आई थिंक डैड इज राइट। शाबाश। पर बाइक तो मुझे वही चाहिए। वैसे आज बात क्या है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे आज सुबह से मैं रिलैक्स मूड में हूँ। सच में? अच्छा श्रीदेवी, हाँ? ए, लंच में आज शीरा बनाना, गुड़ डालकर। डैड, मैं बड़ोड़ा जा रही हूँ। शीरा कैंसल? अरे क्या है बड़ोड़ा में? बड़ोड़ा क्यों जाना है? देखो ना, ये एक अनजाने इंसान को मिलने के लिए बड़ोड़ा जाएगी, वहाँ बड़ोड़ा तक। क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले आकाश जोबन पुत्रा को बाइक बेचनी थी। लेकिन बाद में उसने कहा कि उसकी बाइक उसके पापा के भूत ने चुरा ली। नॉनसेंस। हाँ, अब उस गधे का फोन नहीं लग रहा, पक्का कोई गड़बड़ है। अब मुझे बड़ोड़ा जाना ही होगा। अरे क्या करने जाएगी तू बड़ोड़ा? ये क्यों जाएगी बड़ोड़ा? हाँ, अकेली लड़की बड़ोड़ा तक जाएगी, अकेली? अरे जिस लड़के को देखा नहीं है, उसे जानती नहीं है, उसके लिए अकेली बड़ोड़ा तक जाएगी? ये बड़ोड़ा तक? अरे कुछ कहती क्यों नहीं तुम इसे? मैं बोलती हूँ। देख बेटा, तेरे डैडी की बात बिल्कुल सही है। जिस इंसान को हमने देखा नहीं है, कभी उससे मिले नहीं है, उस इंसान को मिलने अकेले तुम बड़ोड़ा जाना चाहती हो? नहीं, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। क्या है बड़ोड़ा में? क्या है वहाँ? तुम क्यों जाओगी बड़ोड़ा? मेरी शादी हो रही है क्या बड़ोड़ा में, जो गरबा खेलने के लिए तुम दोनों वहाँ जा रही हो? रिलैक्स। मैं वही कह रहा हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। अरे अरे उसे थोड़ा टाइम तो दो, उसका फोन सामने से आएगा, 2 दिन बाद में आएगा, है ना? अरे शायद उसका फोन बिगड़ गया हो, या उसकी तबीयत बिगड़ गई हो, हा? हो सकता है ना? भाई अब फोन हो या इंसान हो, उसे रिपेयर होने में 2 दिन तो लगते हैं ना। अरे परिस्थिति सुधारने के लिए 2 दिन का टाइम तो दो उसको। टाइम देना चाहिए कि नहीं? तो रिलैक्स।
ओके। अरे बाप रे, अब सपना को कैसे समझाएगा? नहीं वैसे तो बेटियों को गाय कहा जाता है, लेकिन तेरी बेटी शेरनी है, शेरनी। वही तो मुश्किल है। मैं स्टीयरिंग राइट में लेता हूँ तो गाड़ी लेफ्ट में जाती है, शर्ट सीता हूँ तो पैंट फटती है, ऐसी हालत है मेरी। अगर सपना आकाश से मिली ना तो मैं पक्का आकाश गंगा में मिल जाऊंगा। और हमें तेरे श्राद्ध के लड्डू खाने मिलेंगे भाई। नहीं, इतनी जल्दी मेरे श्राद्ध के लड्डू खाने नहीं मिलेंगे। अब फिर से एक हेरा फेरी करनी पड़ेगी। फिर से हेरा फेरी? एक बात बता, एक अंधे के सामने अगर कोई शाहरुख की मिमिक्री करे तो अंधे को क्या लगेगा? उसे यही लगेगा कि सामने शाहरुख है। करे, पर इसमें शाहरुख कहाँ से आया? बात की भावना समझ। सपना ने आकाश को देखा है? नहीं। बस फिर और क्या, जो लड़का आकाश बन के सपना से मिलेगा, सपना तो उसे आकाश ही मानेगी ना। इसमें करना क्या है वो बता। सिंपल, तुझे बस एक लड़के का इंतजाम करना है जो आकाश बनकर सपना से मिले, उसके साथ झगड़ा करे और ये चैप्टर क्लोज। समझा? वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है कि नहीं? हाँ है, है? रुक जाओ रिक्शा वाले, ए रुक, मेरा एटीएम आ गया। अरे यार, ये बेवड़ी फिर से यहाँ आ गई। पार्थ, 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 बाहर मत आना यार। क्या हुआ? अंदर जा, तू अंदर ही रह गए भाई। अरे पार्थ। हाँ ये चांदनी बहन, क्या हुआ? पार्थ, हाँ? मुझे 5,000 रुपए देना। मैं बाप ने लौटा दूंगी ना। नहीं 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 पार्थ, तू नहीं देगा। तू जानता है ना ये चांदनी बहन सारा पैसा दारू पीने में उड़ा देती है। ए बबलू चुप रह। एक्चुअली है ना, मुझे एक छोटी सी फिल्म मिली है। अच्छा? सच में? तो उसके लिए शॉपिंग करने के लिए मुझे पैसे दे ना प्लीज। नेवर। दे ना प्लीज। ओके ओके ओके, देख रहा हूँ। चल वो जो 5,000 रुपए पड़े हैं ना वो लाकर इनको दे दे, जा। और यार तू सब कुछ देना, तू पागल हो गया क्या? तू भूल गया क्या कि आज मालिक को गैराज के 2 महीने का भाड़ा देना है? अरे तू बात को समझ ना मेरे भाई, हम क्या रस्ते पे काम करेंगे? ये क्या, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा, तू फिक्र मत कर। चांदनी जी हमारी बहन जैसी है और इनकी मदद करना तो हमारा फर्ज बनता है यार, समझा? जा। साला यहाँ खाने को पैसा नहीं हो, ये दानवीर कर्ण इसे पीने का पैसा दे रहा है। सीए बनना था इसको। ला 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 ला, ये ले। पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप दारू नहीं पिएंगी, पक्का? बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरे भाई। मुकेश भाई को क्या बोले? अरे मुकेश भाई को मैं देख लूंगा यार, तू जा काम कर। सोच समझ के बात करना। आइए पधारिए रजनी अंकल, बोलिए क्या रिपेयर करवाना है आपको? इनको है? मतलब इनको काम है। ओ। और भाई सुन, कुछ रिपेयर करना नहीं है तो बिगाड़ना है। मतलब मैं समझाता हूँ, ये मेरे मित्र है हसमुख लाल जोबनपुत्रा। हाँ। और यह है पार। अच्छा, तुझे इनकी बेटी को आकाश जोबनपुत्रा बन के मिलने जाना है। कैसे बाप हो यार, है? अपनी बेटी की सेटिंग करवा रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? वो संभाल कर बात कर। अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है इतना भाई? बस एक छोटा सा काम है और इस काम के तुझे पैसे भी दूंगा मैं, फ्री में नहीं करना है। सुन अब, मेरी बेटी है ना सपना, उसे तुझे आकाश जोबन पुत्रा बनकर मिलना है और उससे मिलते ही उसके साथ झगड़ा करना है बहुत बड़ा, ताकि लाइफ टाइम मेरी बेटी आकाश जोबन पुत्रा का नाम ही ना ले। भाई मुझे किसी आकाश नाम के बंदे का पत्ता कटवाना है। समझ गया, मतलब इस आकाश नाम के लड़के को आपकी बेटी की जिंदगी से दूर करना है। बराबर 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 ना? देता हूँ। ये 40 है, बाकी काम होने के बाद। हा? अरे वाह, मुकेश भाई को भाड़ा देने के लिए पैसे मिल गए। और एक बात भाई, इस काम में मुझे किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं चाहिए। अंकल पार जो काम हाथ में लेता है ना, उसमें 100% गड़बड़ होती ही है। ऐसा कहने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं है। अच्छा आपकी बेटी का नंबर तो दो। देता हूँ। व्हाट्सएप हो गया, इसे कहते हैं रजनीकांत स्पीड। मैं अभी फोन लगाता हूँ उसको। हाय सपना, कैसी हो? Who's this? अरे गजनी की बेटी, मुझे भूल गई क्या? मैं आकाश। आकाश वो बाइक वाला?
आकाश बाइक वाला? हाँ मैं बाइक वाला, मेरा नंबर बदल गया ना। नंबर के साथ साथ आवाज भी बदल गई। अरे पहले मेरी आवाज सोई थी ना, अभी बैठी हुई है, जब तुमसे मिलूंगा ना तब खड़ी हो जाएगी। तो क्या आज हम मिल सकते हैं? कहाँ? बड़ौदा में। वहाँ क्या नींबू वाली सोडा पीने जाना है क्या? अरे यहीं पर अहमदाबाद में ही मिलते हैं ना। बड़ौदा का है? अरे आज मैं अहमदाबाद में ही हूँ ना, इसलिए। अहमदाबाद में कहाँ? YMCA? मैं पैसे दूंगा। ओके डन। कहाँ है? यहाँ आओ ना, वो देखो वो लड़की दिख रही है लाल टी शर्ट में, वो मेरी बेटी है, उससे मिलना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय सपना। आकाश जुबन पुत्रा। हाय। चिल ऑर्थोडॉक्स। चीप है। तो ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? कितनी बार फोन किया था मैंने, तुम्हारा फोन ही नहीं लगता। क्या बोलूं तुझे यार, मैं वो परेशान हो गया था, इतनी लड़कियों के फोन आते हैं ना कि मैंने नंबर ही बदल डाला। ओ तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी? बहुत सारी। तू मेरा फेसबुक अकाउंट देखेगी ना तो कहेगी कि इतनी सारी रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने सब हटा डाला। अब मुझे कुछ नया ट्राई करना है। ट्राई जस्ट टू एंजॉय लाइफ। ओफ व्हाटएवर। तो तुम्हें बाइक बेचनी है ना? हाँ बेचनी तो है, पर लेगा कौन? मैं? तू? हाँ। क्या तू बाइक चलाएगी तू? अरे इसको बाइक चलानी है। इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तू रस्सी कूद ना, गुड़िया के साथ घर घर खेल, रोटी वोटी बना। एक बात सुन, ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई बाइक बेचनी है तो बात कर, नहीं तो मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, समझा? हो गया झगड़ा। अरे वो उसके पीछे गया। दीदी भूख लग रही है, कुछ खिला दो या फिर पैसा दे दो। एक मिनट, पैसे मत देना बेटा। हाँ भीख क्यों मांग रहा है? भीख मत मांगना। तो क्या मैं भूखा मरूं? आप कहते हो भीख मत मांगो, सरकार कहती है बच्चों से काम मत करवाओ, घर में माँ बाप कमाते नहीं है, तो क्या मैं भूखा मरूं? तो फिर तू पढ़ ना, मैं तेरा एडमिशन करवाऊंगा एक बढ़िया सरकारी स्कूल में, और तू जिस सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ना तो वो लोग तुझे खाना भी देंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से हर सरकारी स्कूल में मिड डे मील भी मिलता है। पर वो तो सिर्फ एक ही बार ना, मुझे तो दो बार भूख लगती है। तो मैं तेरा दो स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा, बस दिल लगाकर रात और दिन पढ़ते रहना। ओके? हाँ। और पान मसाला खाता है क्या? ना। पक्का? हाँ। खाना भी मत? हाँ। वादा कर? पक्का। थैंक यू भैया, आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। चल अब जा बेटा। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। इट्स ओके। बाय द वे मुझे अच्छा लगा तुमने जिस तरह उस बच्चे को समझाया। और मुझे तुम अच्छी लगी। हाँ हाँ देखिए यार, मुझे मन की बात छुपानी आती नहीं, दिल की बात सच बता देता हूँ। तुझे पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया था, जब से तुझे देखा ना तब से दिल की घंटी टन 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 बजती जा रही है। तू बोले तो आज से फेसबुक बंद, व्हाट्सएप 10 बजे के बाद बंद, इंस्टाग्राम मुझे बिल्कुल जमता ही नहीं है, स्नैपचैट तो मैं डिलीट ही कर डालूंगा, क्या बोलती है तू? बोलना, हंस क्यों रही है, क्या हुआ?
तो पूरा आइटम है यार। मुझे भी तुम अच्छे लगे। सच में? लव एट फर्स्ट साइट। ऐसा क्या? बकरी बाहर निकालते ऊंट घर में घुस गया। दीपक भाई आज छुट्टी तुम सबको। कस्टमर से कह दो आज शनिवार है, हमें कुछ नहीं बेचना। अरे जिगर तुमसे भी कह रहा हूँ। पर क्यों सर? तुम जिगर क्यों दिखा रहे हो? इतनी नहीं काटूंगा तुम्हारी पगार। चलो ए दो कौड़ी के गराज वाले, तू समझता क्या है अपने आपको? मेरी बेटी को अपनी प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है तू? तुझे हमने झगड़ा करने को कहा था ना। देखिए सॉरी लेकिन मुझसे ये आपका काम नहीं हो पाएगा। ये लीजिए आपके पैसे। ए तू अपनी औकात में रहना, ज्यादा उछलने का नहीं। और सपना के साथ शादी करने के सपने सपने में भी मत देखना, समझा? बोल मेरी बेटी से दूर रहने के कितने पैसे चाहिए तुझे? कितने पैसे चाहिए बोल। सच बोलूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका हाथ चाहिए और कुछ नहीं। अरे अभी तो बेटी का हाथ मांग रहा था, अब हसबू का हाथ मांग रहा है। इसका हाथ लेके क्या गाड़ी रिपेयर करने वाला है तू? इनका हाथ मुझे आशीर्वाद के लिए चाहिए, बाकी शादी तो मैं सपना के साथ ही करूंगा। कितना कॉन्फिडेंट है ये। अरे एक नंबर का लुच्चा है लफंगा, सब जानता है। इकलौती बेटी है ना मेरी, उसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर उससे शादी करके मेरी सारी संपत्ति अपने नाम करना चाहता है। बोले मेरी बेटी से दूर रहने के कितने पैसे चाहिए? बोल कितने पैसे चाहिए? बस करो। पैसा 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 बहुत देखा हुआ है मैंने, पैसा प्यार पहली बार देखा है मैंने और उसे हासिल करके ही रहूंगा। सपना से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। शादी तो मैं सपना के साथ ही करूंगा। ये कैसे इंसान से भिड़ा दिया तुमने मुझे? अरे मैंने तो उसे बिगाड़ने के लिए कहा था और ये अपनी गाड़ी रिपेयर करके चला गया। मंदाकिनी भाभी का फोन है। हाँ भाभी। आज मैं आकाश के लिए लड़की देखने जा रही हूँ, आप आएंगे साथ में? नहीं नहीं हम लोग तो अहमदाबाद में है ना, मतलब मैं अहमदाबाद में हूँ। भाभी आप एक काम करो, आप देखा ये बाद में रिपोर्ट देना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्या हुआ? मंदाकिनी भाभी आकाश के लिए लड़की देखने जा रही है। ठीक है पहले तो इससे निपटना पड़ेगा। अच्छा एक बात है जो मैं आपसे शादी तय हो उससे पहले कहना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी, मतलब कहीं इनकी शादी से पहले आपको तो शादी नहीं करनी? नहीं नहीं ये क्या बात कर रहे हो आप? पूछ लिया। मैं ये कहना चाह रही थी कि आकाश के पापा का भूत हमारे घर में आता जाता रहता है। भूत आकाश? अरे रे डरो नहीं, मेरे पापा का भूत बहुत क्यूट है। गोलू गोलू किसी को परेशान नहीं करता है ना मम्मी? हाँ बेटा पर पापा। अरे डोंट वरी बेटा, ये भूत वूत कुछ होता ही नहीं है। और हाँ जहाँ ये भूत वूत की बात होती है ना वहाँ कोई ना कोई झोल जरूर होता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अरे मैंने ऐसे कई सारे भूतों को पकड़ा है। मतलब ये जो लोग भूत बनने का नाटक करते हैं ना उनकी सच्चाई को सामने लाया हूँ। भूत भूत ये सब बकवास है। नहीं नहीं मेरे पति का भूत सच में सामने आता है। हाँ और जब भी बुलाओ तभी आ जाते हैं। ऐसा? फिर तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। होने वाले समधी के भूत से मिलने में मुझे मजा आएगा। पता नहीं मुझसे मिलके उस भूत को मजा आएगा या नहीं, एक अलग ही कहानी होगी। आकाश तुम भी ना एकदम पागल हो। हाँ नहीं हसमुख। हाँ? हसमुख देखो ना सपना कितनी खुश लग रही है ना। ये आकाश जिस दिन से उसके जीवन में आया है उस दिन से बहुत खुश दिखाई दे रही है ना। सच में आकाश मॉम डैड आ गए। आकाश आप लोगों को हाय कह रहा है। ओ हाय। हाँ बोलो। हसमुख मैं क्या कह रही थी, सपना को आकाश पसंद ही है तो शादी की बात आगे बढ़ाते हैं ना। हाँ, हाँ सही है ना। हाँ, हाँ, बढ़ानी ही चाहिए। हाँ, बात
पर मुझे है ना, सच कहूं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। किस बात की चिंता है तुमको? अरे बाप हूँ, स्वाभाविक है, चिंता होती है। लेकिन चिंता किस बात की कहो तो? तुम डांट क्यों रही हो मुझे? यहाँ धड़कनें बढ़ जाती हैं मेरी, डांटो मत इस तरह। अरे लाड़ से पाला पोसा है हमने अपनी बेटी को, उसे किसी दिन दुखी देखा तुमने? उसकी हर एक इच्छा हमने पूरी की है बचपन से। अब तुम ही सोचो, सपना उस आकाश के साथ शादी करेगी, वो आकाश इसकी हर एक इच्छा पूरी कर पाएगा क्या? तुम ही सोचो, यानी तुम मुझसे मत कहो, अपने आप से पूछो। हाँ सपना, बाद में बात करती हूँ। हाँ बोली मॉम। तूने कभी आकाश से पूछा है कि वो क्या काम करता है, कितना कमा लेता है? क्या कह रही हैं आप मॉम, मैं ये सब क्यों पूछने लगी उससे? देखा, हाँ अब मुझे चिंता हो ये स्वाभाविक है या नहीं। अरे ये तो प्रेम करके शादी करके चली जाएगी, लेकिन बाद में कोई गड़बड़ निकली तो? हा? हम लोग डिवोर्स के इतने केसेस देख रहे हैं ना। अब अगर मैं कुछ पूछूं तो बाप यानी प्रॉब्लम। इसलिए इन सब मामलों में माँ इज द राइट पर्सन। करेक्ट। सपना बोलिए। देखो बेटा, जब बेटी की शादी करनी होती है ना, तो हर माँ बाप को चिंता रहती है कि लड़का कितना कमाता है। तो तू आज के आज ही आकाश से उसका बैंक बैलेंस पूछ लेना। कम ऑन मॉम, ऐसे डायरेक्ट बैंक बैलेंस थोड़ी ना पूछते हैं। वो भी है, आप भी ना। अरे श्रीदेवी, हाँ वो शांति काका स्पेन से महंगी वाली गिफ्ट्स लेकर आए थे, जिनकी पैकिंग हमने खोली ही नहीं, वो बेडरूम में है या नीचे ड्रॉअर में सपना? है हाँ। अरे मिल गई, रहने दो, मिल गई। हाँ ठीक है, तू एक काम कर, आकाश से एक महंगी वाली गिफ्ट मांग। वो कैसी गिफ्ट देता है उससे पता चल जाएगा कि वो कितना कमाता है और तुझे कितना प्यार करता है। गुड आइडिया, अभी मांगती हूँ महंगी गिफ्ट। थैंक्स मॉम। यस। अब पता चलेगा क्या गिफ्ट लेकर आता है। ला 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 ला। हाय। मैंने तुम्हें देख लिया था। अरे मेरा जोक तो बैकफायर हो गया। गेस कर मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या है दिखाओ ना। गुलाब। गुलाब? गुलाब? मुझे गुलाब में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, मुझे लगा ही था तुझे गुलाब में मजा नहीं आएगा, तुम मधुमक्खी थोड़ी है। आकाश। अच्छा तू ही मुझे बता, तुझे क्या चाहिए? मैं दूंगा। पक्का ना? अरे सच में। बेबी। हाँ बेबी। बेबी यू लव मी नो अ लॉट। तो मेरी सारी विशेस पूरी करोगे? ना। हाँ? मैंने तुम्हें ना कभी बोला है क्या? हाउ स्वीट। सो बेबी, या मुझे तुझे एक बाइक चाहिए। ओके, तो तुझे गाने का शौक है ना? हाँ? माइक ना? माइक नहीं, बाइक। बाइक। अरे यार, ये रिलायंस का पोर्टफोलियो ले लिया होता तो अच्छा था। शह, एक बात पूछूं? पूछो पूछो पूछो। ये सेंसेक्स को सेंसेक्स क्यों कहा जाता है? हाँ वो अप डाउन होता है ना इस। अच्छा। हसमुख, अरे हसमुख, तुम्हारा ये शेयर बाजार बाजू में रखो और बाहर आकर देखो, प्यार की बारिश हो रही है। हा? प्यार की बारिश? हाँ, हमने आकाश को महंगी वाली गिफ्ट लाने के लिए कहा था ना, वो तो सच में बाइक लेकर आ गया है। हाँ? जल्दी देखो, चलो चलो चलो। इस फर्नीचर के पास बाइक कहाँ से आ गई? पता नहीं।
कहीं देखी हुई हो ऐसा लगता है। नहीं नायक, ये हमने चुराई हुई बाइक इस फर्नीचर के पास आई कैसे? भाभी देखिए, ये है आकाश का गिफ्ट। ये वही बाइक है जो मुझे चाहिए थी, है ना मस्त? कैसी लगी? अच्छी है ना? वाव, लवली। हसमुख, बाइक सच में बहुत अच्छी है ना? हाँ। तो हमारी शादी फिक्स्ड? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा देखो, ये जो शादी है वो दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? मतलब तुम दोनों क्या भाग कर शादी करने वाले हो? नहीं ना, इसके परिवार से मिलना चाहिए कि नहीं, इसके माँ बाप से मिलना चाहिए कि नहीं, बताओ। तुम बोलो ना। तेरी डैडी की बात बिल्कुल सही है, वो एकदम सच कह रहे हैं। शादी करने के लिए दोनों परिवारों का मिलना बहुत जरूरी है। तो चल बेटा, जल्द से जल्द तुम्हारे मम्मी डैडी के साथ एक मीटिंग फिक्स करवा दो, है ना? लेकिन मम्मी, आकाश के पापा गुजर चुके हैं। हाँ। Oh my God, I'm so sorry बेटा। कोई बात नहीं। But don't worry आकाश, हसमुख तुम्हारे पापा जैसे ही हैं, है ना? आकाश तो मेरा ही बेटा है। देखा? पर हम लोग तुम्हारे मम्मी को तो मिल ही सकते हैं, है ना? है ना? मम्मी है ना? नहीं। मतलब वैसे तो है, मम्मी तो है, मगर वो दूसरे शहर गई है ना? दूसरे शहर गई है? हाँ, दूसरे शहर गई है। कौन से शहर गई? कौन से शहर गई है? बताता हूँ। हाँ बताओ ना। अरे हम कहाँ गए थे? कब? बोलना। क्या? नहीं तू नहीं थी। तो फिर कौन थी? पहले तेरे बाप को बताओ। हाँ बताओ। चाणोद। चाणोद? हाँ, मम्मी चाणोद गई है। चाणोद किस काम से गई है? बहुत सवाल कर रहे हो ससुर जी आप। चाणोद क्यों जाता है इंसान? पाठ पूजा करने। पूजा करने? पर हमें पूजा नहीं, तेरा ब्याह कराना है ना। तो हम सब चलकर तेरे बंगले पर उनके लिए वेट करें। हम लोग तुम्हारे घर जाते हैं और तुम्हारे मम्मी को सरप्राइज देते हैं। पहले मेरी बात सुनिए। चिंता मत करो बेटा, शुभ काम में देरी क्यों करते हो? चलो ठीक है, चलो 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 मम्मी से मिलने चलते हैं, है ना? ये ले, तेरे घर का रास्ता तो तुझे पता है ना, चल फिर ले चल। चल ओए। हाँ चल चल चल। ये रजनीकांत कहाँ गया? रजनी भाई, ओ रजनी भाई, उसे यहाँ ये गाड़ी में। ओ गधे, इस गाड़ी में। वो गाड़ी क्या उड़कर जाएगी? इसीलिए इसकी शादी नहीं हुई। इस बेवकूफ से कौन करेगा शादी? अरे भाई तुम अहमदाबाद में हमें क्या ये गोल गोल घुमा रहे हो? साइट सीन करवा रहे हो अहमदाबाद की? अरे देखा है हमने अहमदाबाद। भाई भूल गए अपना एड्रेस। रजनी अंकल, आज नहीं पहुंचेंगे इसके घर। रजनी आज नहीं पहुंचेंगे। सो जाओ सो जाओ, तुम लोग भी सो जाओ। तेरा घर आए तो उठा देना हम सबको। तुम क्या बोल रहे हो? अरे पर देखो ना, कब से घुमा रहा है हम सबको। एक सेकंड, आकाश ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हो? अरे यार देख ना, जहाँ जाओ मेट्रो का काम चल रहा है, हर जगह रास्ते खोद कर रखे हैं। आदमी जाए तो कहाँ जाए? सही बात। एक काम करते हैं, कल जाते हैं। नहीं 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 नहीं, आज ही मेरे भाई, मेरे घर तो आज ही। क्या है, कल संडे है, मेरी अर्जेंट मीटिंग है। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तेरा घर आ जाए तो मुझे जगा देना भाई, मैं सो रहा हूँ, तू भी सो जा रजनी। तू चला गाड़ी। अरे डैड सो गए। आकाश घर आ गया क्या? नहीं पता नहीं। हाँ बेबी, और कितना टाइम? बस गिन कर 3 मिनट। वाओ, ये एरिया तो बहुत पॉश है। तो क्या लगा मैं एरा कह रहा हूँ? नहीं। वाओ मम्मा, आकाश का बंगला देखो। डैड, आकाश का बंगला तो देखो। मॉम चलिए, मुझे भी सासू जी से मिलना है। चल चल चल। वाओ
क्या गाड़ी चलाई भाई, क्या ले क्या तू? अरे साहब कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? हाँ बढ़िया बढ़िया, मजे में। मम्मी अंदर है ना? मम्मी हाँ है ना, है ना। तो बताइए उनको मेहमान आए हैं। बिल्कुल अभी जाता हूँ। साले कमीने, कैसा लगा बंगला? लालायक, मेरे ही घर पे लाकर मुझी से पूछ रहा कैसा लगा बंगला, मरवाएगा मुझे। निकल यहाँ से ना, मम्मी आ रही होंगी, मिलकर जाना। मार डालूंगा साले तेरा, गला दबा दूंगा। रजनीकांत गाड़ी गियर में डाल, ये ऑटोमेटिक है भाई। मेहमान आइए आइए आइए, तुम्हारी सास आए उसके पहले हम अंदर चले जाते हैं। तेरी वजह से पोल खुल गई। I'm sorry, मंदा। I'm sorry, I'm sorry, मंदा। क्या हुआ? मंजू चाची गुजर गई। कौन मंजू चाची? अरे तुम्हें क्या करना है, तुम जल्दी से अंदर आओ ना, जल्दी से गाड़ी में बैठो, अंदर आओ, अंदर आओ, मंजू चाची को ले जा रहे। अरे तू गाड़ी चला, निकल यहाँ से, जल्दी कर। चला भाई, चला, निकल ना, निकल। डैड क्या कर रहे हो तुम? डैड क्या हुआ? चलो चलो चलो, डैड उठ रहे हैं, बैठो ठीक से। चलना भाई चलना, जल्दी निकल, क्या कर रहा है मैडम? डैड इनकी भी क्या कर रहे हैं आप, ठीक से क्यों नहीं बैठ रहे? हम सब बड़ौदा तक गए लेकिन तुम्हारी वजह से आकाश की मम्मी को मिल नहीं पाए, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्यों किया डैड, कम से कम मेरी सासू माँ से तो मिल लेते। अरे तुम दोनों समझती क्यों नहीं हो, मेरी बेटी शादी से पहले अगर ससुराल में पैर रखेगी तो अपशगुन होगा कि नहीं, इसलिए वापस आए। इसका मतलब तुमने आकाश को दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कुछ मत हो, सॉरी। और तुम दोनों ये भरत मिलाप बंद करोगे या शाम तक ऐसे ही रहोगे? दामाद आया है, आज अगर ये भूखा जाएगा तो अपशगुन होगा या नहीं? जाओ जाओ जल्दी जल्दी शीरा बनाओ। हाँ अभी बनाती हूँ, चल बेटा हम मिलके शीरा बनाते हैं। और सुनो, उसमें गाय का घी डालना, शगुन होता है। मैं उनकी मदद करके आता हूँ। शीरा बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है और तेरा मुंह सुझाना मेरे दाएं हाथ का खेल है। आ जा। नालायक, तुझे कैसे पता चला मेरी दो दो शादियों के बारे में? किसने बताया तुझे? आपके रोबो रजनीकांत अंकल ने। तूने क्या बताया? मैं बताता हूँ, भूत बन के चुराई हुई बाइक कहाँ पार्क की? मेरे गैराज पर। उसमें मुझे पेपर्स मिले, उसमें नाम किसका था? किसका? आकाश हसमुख लाल जोबन पुत्र का। करेक्ट। फिर मुझे लगा दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दुनिया ही काली है, इसलिए मैं बड़ौदा गया। वाह नालायक, चोर को दिया लेकर घर दिखाने वाला बेवकूफ है तू। सॉरी सॉरी, बाद में क्या बाद में, क्या क्या बाद में? फिर मैं आपके वॉचमैन से मिला, उसके साथ बात भी की, पैसे दिखाए तो तोते की तरह सब बोलता गया। आपने जो शानदार तरीके से अपनी शादियों की हेरा फेरी की है ना, मान गया आपकी फैमिली प्लानिंग को। उसे फैमिली प्लानिंग नहीं कहते बेटा, एक्सपैंडिंग। दो वाइफ, व्हाट अ लाइफ, खूब मजे किए ना? मैं ना तुझसे विनती करता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये बड़ौदा वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, बस इतना। आप बड़े हैं, प्लीज हाथ मत जोड़िए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपनी बेटी मुझे ही देंगे। तू एक बाप का दर्द तो समझ बेटे, बाप की लाचारी समझ। अरे लाड़ प्यार से पाली मेरी फूल जैसी बेटी का हाथ एक गैरेज वाले के हाथ में दे दूं? तू ही सोच के देख, वो क्या नट बोल्ट पकड़ है कि मैं उसे एक गैरेज वाले के हाथ में। अरे आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, मैं करोड़पति हूँ। होता है बेटा, हर एक गधे को ऐसा लगता है कि वो घोड़ा है, जिराफ है, हाथी है, ऐसा लगता है, हर एक गधे को लगता है, पर अंदर से वो गधा ही रहता है ना, समझ? मुझे देख, मुझे भी अंदर से यही लगता है कि मैं वरुण धवन हूँ, पर हूँ तो आलोकनाथ ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
देखिए मेरे माँ बाप से मेरा झगड़ा हो गया, इसलिए थोड़े दिन के लिए मैं घर से बाहर रह रहा हूँ। बाकी मेरा बाप तो करोड़पति है। अच्छा, कौन है कौन तेरा बाप? मेरा बाप है। तू मजाक मत कर। अरे बाप रे, कहीं उसने देख तो नहीं लिया ना हमें? कह नहीं सकते भाई, मैं उन्हें बोल देता हूँ कि हम दोनों साथ में नहीं हैं। हर साल मेरा स्नान करवाता है, भूल गया क्या तू? बेवकूफ कहीं का। फोन पे बात कर। हाँ मंदाकिनी भाभी। नीचे। हेलो। नीचे। हाँ भाभी। रजनी भाई। हाँ। जरा टीवी ऑन करिए ना। क्यों? मैंने जो लड़की आकाश के लिए देखी है ना, उसके पापा टीवी पर आ रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप? अरे टीवी ऑन तो करिए। हाँ, 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 हाँ। क्या हुआ भाई? तेरा समझी तो टीवी स्टार निकला, ईटीवी पे आ रहा है। अबे गधे, ये फिल्म कौन सी है? ट्रेलर किस फिल्म का दिखा रहा है तू? चलिए फिल्म देखते हैं। तू यहीं पर रुक प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये बरोड़ा वाली बात किसी से मत कहना प्लीज। डॉक्टर केडी सर, हमने आपके बारे में काफी कुछ सुना है। आपने काफी सारे मनोरोगियों का इलाज किया है और दिमाग से जुड़ी काफी सारी जटिल समस्याओं का आपने समाधान भी किया है। अच्छा, यानी ये मेरा समधी है, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट। वाह, चलो अच्छे घर की बेटी आ रही है। पर तेरा समधी तो टकला है। आकाश उसके साथ शादी करने वाला है, उसकी बेटी तो टकली नहीं होगी ना, उसे तो बाल होंगे ना, तो टीवी देखना चुपचाप। और इस सब के पीछे एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं हूँ तो एक डॉक्टर ही, पर मेरे पास चुड़ैल, भूत, पिशाच, काला जादू और ऐसे ही कई सारे केसेस आते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ करना होगा। मैंने प्रैक्टिस छोड़ी और संकल्प लिया कि हमारे पूरे राज्य में से अंधश्रद्धा को खत्म कर दूंगा। लेफ्ट राइट कुछ नहीं सोचा और निकल पड़ा। साइकियाट्रिस्ट की प्रैक्टिस चल नहीं रही होगी, इसलिए भूत पकड़ने का धंधा शुरू कर दिया और नाम बहुत अच्छा दे दिया, अंधश्रद्धा निर्मूलन। ए वाला बाबा, ए मेरा होने वाला समधी है। और सुना है कि आप भूत भी पकड़ते हैं? ये टकला भूत भी पकड़ते हैं? तू डरा मत मुझको, शांति से टीवी देख, समझा? भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग भूत बनने का नाटक जरूर करते हैं। चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बड़े से बंगले में एक औरत की आत्मा भटका करती थी। मैं ये सुनकर भाग गया और देखा दरअसल कुछ होंडे लोग उस बंगले को हड़पने के लिए वहाँ एक फ्लॉप एक्ट्रेस को भूत बनाकर घुमाते थे। मैंने उनकी ये पोल खोल दी। हर एक भूत के पीछे कोई ना कोई फ्रॉड आदमी जरूर होता है। इनकी अलग अलग तकनीक होती है। कभी किसी भूत की आंख में मैं तीखी लाल मिर्च डाल देता हूँ। इन नकली भूतों को पकड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। वाह, मेरा सर फटा जा रहा है, हे भगवान। मेरी बेटी मेरे बेटे से ना मिले, इसके लिए मैं जीते जी भूत बना और मेरा समधी भूत का दुश्मन निकला। भूल से भी उस डॉक्टर केडी के सामने मत जाना भाई, नहीं तो तुझे ऐसी ऐसी जगह पे काटेगा कि ना तो तू कुछ कह पाएगा और ना सह पाएगा। साला भूत की आंखों में मिर्ची पाउडर डालता है, आग लगाता है। अरे अरे, ये भूतों के साथ कोई भूतानियत है कि नहीं? डॉक्टर केडी ने जो तेरी पोल खोल दी ना, तो मंदाकिनी भाभी और श्रीदेवी भाभी मार मार के तुझे सचमुच का भूत बना देंगे। चुप करना यार, जो जी में आए वो मत बोल प्लीज। एक तो उस गैरेज वाले का प्रॉब्लम अभी तक वैसे का वैसा है। वो कह रहा था कि उसका बाप करोड़पति है, क्या बिजनेस होगा उसका? अरे कुछ भी फेंकता है, रहने देना, वो लुक्खा है। उस नालायक को तो मैं घर में पैर नहीं रखने दूंगा, तू देख लेना। हाँ। क्या हुआ? सुनो ना। अब तुम्हें क्या हुआ? सुनो, बोलो। आकाश की मम्मी को फोन करके कह दो कि कल अपनी मम्मी को लेकर यहाँ आ जाए, शादी की बातें क्लियर कर लेते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है उसको अपने घर में कदम तक रखने देने की, साला लुक्खा है। क्या बोल रहा है? जो जी में आए बोल रहा है? अरे करोड़पति है तू, करोड़पति को लुक्खा बोल रहा है? अरे वो दामाद है मेरा। बेटा सपना, तू आकाश को फोन कर और उससे कह दे कि उसकी मम्मी को लेकर हमसे मिलने आए। सच में? हाँ हाँ। डैडी, आई लव यू। तुम ही जाओ, मतलब उससे कहो कि उसे फोन करे और कहे कि मम्मी को लेकर आए। सुनो, उससे कहना कि शादी से पहले ज्यादा बातचीत न करे और ज्यादा घूमने फिरने न जाए। हाँ ठीक है, समझा दूंगी। जाओ 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 जाओ। कैसा कमाल का आदमी है। अरे कमाल का आइडिया है गधे,
मेरा सिर्फ नाम ही रजनीकांत है, असली का तो मैं हूँ। यहाँ यहाँ बैठ, आजा आजा। देख ये नकली आकाश उसकी मम्मी को तो नहीं ला पाएगा। अरे यार, और अगर असली मम्मी को ले आएगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। देख देख मेरी बात सुन, चिंता मत करो भाई, उसका गेम ओवर। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी। क्या कहती थी? अच्छा कर्म करोगे ना तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अरे यार, लोगों के बुरे समय में तू उनकी दौड़ दौड़ के मदद करता है, तो तेरे बुरे समय में भी कोई ना कोई तो मदद करने आएगा ही। कौन आएगा? आइडिया? स्विच ऑफ जा रहा है, अजीब लोग हैं। देखते हैं आज कैसे लेकर आता है उसकी माँ को। 9 बजे आने वाला था ना? 10 बज गए और 11 बजे तेरी खूब चंदानी के साथ अर्जेंट मीटिंग है, टाइम पर पहुंच जाना भाई। अरे भाड़ में गई मीटिंग वीटिंग, ऐसे टाइम पर नहीं पहुंचते कभी। टाइम पर पहुंचने वाले की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमेशा लेट पहुंचना चाहिए, समझा? तभी वैल्यू होती है, जिंदगी भर याद रखना। सुबह के 9 से 10 बज चुके हैं और आकाश अब तक उसकी मम्मी को लेकर नहीं पहुंचा। देखो यही बात मुझे पसंद नहीं है, जिस इंसान को टाइम की वैल्यू नहीं होती ना, उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तू जिंदगी भर याद रखना ये बात। हाँ एकदम सही कहा आपने, ऐसी छोटी छोटी बातों से ही इंसान का कैरेक्टर समझ आ जाता है। मम्मा देख बेटा, ये शादी की बात है ना, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ बेटा, देखो ना कितना इंतजार करवाया इसने। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ रिजेक्ट कर दे इस लड़के को। मैं आ गया हूँ। आकाश तू तो आ गया है पर तेरी मम्मी दिखाई नहीं देती। आई है ना? कहाँ है? अभी बुलाता हूँ। मम्मी ये मंदाकिनी भाभी को तो नहीं लाया होगा ना? मुझे डरा मत इस तरह, इसका भरोसा नहीं, बरोड़ा से मंदाकिनी को भी उठा कर ले आएगा ये। चल देखते हैं। मम्मी, ये मेरे सास ससुर हैं। यही है तेरे सास ससुर? आइए ना। अरे सासू माँ, ये कहाँ गई? अरे इन्हें क्या हो गया? ये क्या कर रही है? ये साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही है। समधन जी, ऐसा मत करिए प्लीज। नहीं समधन जी, नहीं नहीं नहीं, समधन जी ये आप क्या कर रही है? हम लोग लड़की वाले हैं, हमें आपके पैर छूने चाहिए, आप हमारे पैर मत छूइए। संस्कार। राजश्री। राजश्री घराने से है ना मेरी मम्मी। करेक्ट। प्रिंसेस ऑफ छोटी दमन। छोटी दमन, देखो इसे कहते हैं संस्कार। ये तो खर्राटे मार रही है। ये शादी की बात करने आई है या खर्राटे मारने आई है? डैड। मम्मी मम्मी। मैं सारी रात जाग रही थी ना। अच्छा। पिक्चर देख रही थी। पिक्चर? फ्यूचर। फ्यूचर देख रही थी, मेरे और सपना का फ्यूचर देख रही थी। ओ, देखा मेरी बेटी कितनी लकी है, उसकी सास अभी से उसकी कितनी चिंता कर रही है। ये क्या पी रही है मम्मी? काढ़ा। काढ़ा? मम्मी काढ़ा पी रही है। काढ़ा? छोटी दमन के राज वैद्य ने पीने को बोला है। काढ़ा किस लिए? बताता हूँ। एक्चुअली मम्मी को याद रखने की बीमारी है। हाँ?
रेयर केस। मम्मी को पापा की बहुत याद आती है। नहीं मम्मी नहीं, पापा के जाने के बाद ये उनको इतना याद करने लगी कि काढ़ा पी पी के उन्हें भुला रही है। पार्थ, पार्थ? हा? हा? पार्थ को कहो चढ़ा लो बाण, अब तो शादी के बाद होगा कल्याण। यही कहने वाली थी ना, महाभारत की तो बहुत बड़ी फैन है मेरी मम्मी। अच्छा, ऐसे डायलॉग बोलती रहती है। और क्या क्या करती है मम्मी? लड़की कैसी लगी मम्मी? मस्त है, ले जा हनीमून पे। ये तो माँ है, माल है, कमाल है ना मम्मी? हाँ, तेरा ससुर कमाल है। आज हमारे दिल में अजब ये हलचल है। शायरी, वाह। सामने है समधी जी, गा रही समधन है। आप लोग एक काम कीजिए, म्यूजिक संध्या चालू रखिए, तब तक मैं जरा आकाश से व्यवहार की बात कर लेता हूँ। आजा। कौन है ये चम्मक छल्लो? ये किसको मम्मी बना कर ले आया है यहाँ? मैं इसे जानता हूँ, ये बाल डांसर को अपनी माँ बना के लाया है। आपको कैसे पता कि ये बाल डांसर है? इसलिए मुंबई जाते थे। वो बार डांसर? ये बार डांसर नहीं है। तो हिंदी फिल्मों की हीरोइन थी एक जमाने में, आजकल भोजपुरी फिल्में करती हैं। आज तेरी पोल नहीं खोली ना तो मेरा नाम भी हसमुख नहीं देख ले। मेरी पोल खोलोगे ना तो मैं आपकी खोलूंगा, याद रखना। तुम दोनों जरा कपड़े पहन लो ना, मुझे शर्म आ रही है। एक काम कर, तू मुझे कल ना बाहर मिल, वन टू वन सब कुछ क्लियर कर देंगे। यही कहीं होगा, कहाँ गया? रहटना। तो इसका मतलब मेरा और सपना का क्या रिश्ता पक्का ना? क्या यहाँ लिखा है कि मैं हाँ हो? क्या हूँ? क्या कहा? मतलब आप मेरे ससुर हो ना? ज्यादा दिमाग मत चला तू अपना, और ये शादी की सोच छोड़ दे। अरे छोरे, तन्ने पूरी पूरी खबर सह के वो यहीं पर है? हाँ हाँ भाई, पक्की खबर है। अरे तो फिर यहाँ मॉडल की तरह खड़ा क्यों हो? चलो ढूंढो उसे। अब तू मुझे बता, और सच सच बताना कि तेरे असली माँ बाप कौन है, बता। उनकी बात छोड़िए ना, मैं खुद अपने पेरेंट्स को रिजेक्ट करके आया। मुझे और कोई बकवास नहीं। अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? बाप रे। अचानक से बाप क्यों याद आ गया आपको? जिंदा रहा तो बताऊंगा तुझे। वो रहा। ओ ससुर जी, पकड़ो उसने, छोड़ना नहीं। प्रेम नगर नी प्रेम गली मा पकड़म पकड़ी रे, जाम्यो जोने फेर फुदरणी रासड़ो। प्रेम नगर नी प्रेम गली मा पकड़म पकड़ी रे, जाम्यो जोने फेर फुदरणी रासड़ो। गजमना गोटाला केवा छे उखाड़ा, बिना चा बिना रे बंद थई गया ताला। उंबाड़ियू 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 रे, संसार नो थई गयू उंबाड़ियू रे। ये बेहोश हो गया या मर गया? भागो। अरे अरे अजीब इंसान है यार, मैराथन भाग रहे थे क्या? एक्सरसाइज। अरे ये यहाँ इनको क्या हो गया? ये मुझे देखकर बेहोश हो गया या मर गया पता नहीं। मर गए? अरे तू जा मत, ये बहुत डेंजर आदमी है, ये मारने के लिए शूटर नहीं ट्रक ड्राइवर रखता है। अरे मैं जानता हूँ, मेरे पापा हैं ये। पापा, गुड मॉर्निंग पापा। पार्थ, हमारा बेटा कहाँ गया था तू? मैंने छोड़ के कहाँ गया था बेटा, बोलना। पापा, शांत 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 शांत। क्या हुआ पापा, आपको बेहोश क्यों हो गए थे? बेटा मैंने जैसे ही खबर लागी कि तू यहाँ अहमदाबाद में सर, तो ढूंढने में अहमदाबाद में आ गया। पहले होटल गया मैं,
फिर तू वहां से भी भाग गया और फिर थारा पीछा करते करते मैं यहाँ आया और यहाँ मैंने क्या देखा क्या, पता क्या, क्या, क्या देखा क्या देखा भूत किसका भूत मारा एक लेनदार हंसमुख जो बनपुत्रा का भूत मैंने उसको 5 करोड़ रुपए दिए थे उसने ब्याज तो दे दिया पर मूल पैसा नहीं दे पाया तो उसने समंदर में खुद का आत्महत्या कर ली बेटा आत्महत्या कर ली पर वो अब यहाँ क्या कर रहा है बेटा बदला लेने भाई भाई हम तुम्हें इंसान से बचा सकते हैं लेकिन भूत से नहीं भाई हमें जाने दो नहीं 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 रब बेटा इसने समझा मैंने छोड़ कर ना जाए कहीं छोड़ कर ना जाए पापा को छोड़ कर कोई नहीं जाएगा यही रहेंगे सब यही रहोगे सब हाँ समझ गए सब समझ गए घबराइए मत डरिए मत हाँ भूताओं में मारने आया तो नहीं आएगा नहीं मारेगा पापा नहीं आएगा डरो मत मैं हूँ ना नहीं आएगा नहीं आएगा अरे रजनी हाँ? एक काम कर ये जेसीबी ऑन कर मुझे उसमें डाल और उठा उठा के पटक पटक के मार डाल मुझे या फिर एक काम कर जहर की बोतल लेके आ पी लूं और मर जाऊं हाँ लाता हूं लेकिन हुआ क्या अरे वो भूरा रदारी पता है ना हाँ? जिसके पास से मैंने 5 करोड़ रुपए लिए थे वो पार्थ का बाप निकला क्या बोल रहा है अरे रे 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 तेरी हालत देख के तो ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी शादी ही नहीं हुई मेरे दोनों समधी ऐसे अजीब निकले हैं एक अगर मुझे जिंदा देखे तो मार दे और दूसरा मुर्दा देखे तो भी मार दे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेटी और बेटे की शादी कैसे होगी ओ ससुर जी आपको मेरे पापा से मिलना था ना क्या चलिए कमाल करते हैं आप मेरे पापा से बचने के लिए खुद ही खुद को मार डाला आत्महत्या का नाटक कर डाला अरे मैं आत्महत्या ना करता तो तेरा बाप मेरी हत्या कर देता हंस क्यों रहा है ये शक्ल देखिए अपनी डोंट वरी आपको मैं जैसा लगता हूँ ना वैसा मैं हूँ ही नहीं अच्छा हाँ मतलब मेरे पापा के ब्याज के धंधे से मुझे सख्त नफरत है इसीलिए तो उनकी करोड़ों की दौलत को मैं लात मारकर दूर चला गया तो मुझे भी उससे दूर रखना भाई प्लीज नहीं मैंने मान लिया आज कि तू खुद्दार इंसान है कसम से तुझे दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया मैंने मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में ही दूंगा पर एक शर्त है मेरी क्या तुम्हारी शादी में मुझे मत बुलाना प्लीज क्यों प्लीज हाथ जोड़ता हूँ मैं प्लीज भाई ये दुनिया का पहला ऐसा बाप है जो अपने दामाद से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अपनी बेटी की शादी में मत बुलाना प्रभु कन्हैया की आरती ये मेरे घर में भजन मंडली कहाँ से आ गई वो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो कृष्णा है मारा कृष्णा ए मंजीरा वाले ए तबला वाले निकलो चलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय अरे पार्थ तू यहाँ कब आया बोल पापा ने कहा कि घर में पूजा रखी है इसीलिए मैं आया पार्थ के बापू आप भजन गा रहे थे हाँ पार्थ के माँ अब मैं सुधर गया हूँ हाँ ब्याज वाला जो धंधा है ना मैंने इब बंद कर दिया है आप तो बड़े भजन सम्राट बन गए हैं जरूर कोई नया हथकंडा है सच कह रहे हैं माँ क्या पापा बिल्कुल सुधर गए हैं अरे इन्होंने सारे काले धंधे बंद कर दिए हैं माँ बेटा सही कह रहा है आज तक मैं पैसे के पीछे बहुत भागा पर इब तो ईश्वर के पीछे भागूंगा अच्छा पापा आज तक आपने जितने लोगों को भी परेशान किया है उनका क्या भाई उन सब ने मैं 5-5 लाख रुपए दे दूंगा क्या और वो जो हंसमुख और हंसमुख भाई ने मैं 25 लाख रुपए दे दूंगा वाह उसकी पवित्र आत्मा ने शांति मिले सुपर अब आपके पति का भूत मिलने आता है या वेकेशन पर चला गया नहीं नहीं काफी दिनों से तो नजर नहीं आया है मुझे लगता है कि अब उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है ये तो अच्छी बात है तो शादी की तारीख पक्की कर दे अरे अंकल हमें कोई जल्दी नहीं है हाँ पापा मुझे भी कोई जल्दी नहीं है हाँ तुम लोगों को जल्दी नहीं है इसीलिए तो हमें जल्दी करनी पड़ रही है अरे भाई राम राम सब न राम राम भूरा भाई आप इतने सालों बाद
मैंने आपसे तभी कह दिया था कि इतने सारे पैसे मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। अब तो मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मैं कहाँ से पैसे दूँ? नहीं बहन, नहीं, मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ यहाँ। हाँ? मैं तो उल्टा पैसा देने आया हूँ। हाँ, मैंने यो धंधा छोड़ दिया है माता रानी की कसम। हाँ हाँ, लो जी यो रहा थारा बंडल। ना जी, यो तो रमेश भाई का है। हाँ हंसमुख भाई, लो लो लो। हाँ? गिन लो बहन, पूरे 25 लाख है। एक बात कहूं, थारे पति के भूत ने तुम्हारी आंखें खोल दी। अरे वाह, मतलब आप सुधर गए। एक मिनट, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं कि आपने हसमुख जोबन पुत्रा का भूत देखा है? और के? अच्छा, फिर तो मुझे अपने समधी के भूत से मिलना ही है। बुलाओ उसे। क्या? अरे बुलाओ ना, सालों से मैं अंधश्रद्धा को मिटाने का काम कर रहा हूँ, ये साले भूत भूत होते ही नहीं है। अच्छा आप मानते हैं ना? आप लोग मानते हैं ना? अगर आप सब मानते हैं तो भूत को बुलाना ही पड़ेगा, मुझे खुद उस भूत को देखना है। अरे क्यों कर रहे हो, भूत ने देख के मारी सुसु निकल जाती है। हाँ तो मुझे भी सुसु करनी है ना, मतलब मुझे भूत को देखना है। देखो भाई, मैंने सबको बता दिया है, अब तुम लोग संभालो, मैं जाता हूँ। सभी का राम राम। अब तो मैंने ठान लिया, समधन जी, ये मेरे विश्वास और आपके अंधविश्वास की लड़ाई है। कौन सही है और कौन गलत, ये साबित करने के लिए आपके पति के भूत को यहाँ आना होगा, वरना ये शादी नहीं होगी। गजब नो हलवानो। नहीं, हो ही नहीं सकता। उस डॉक्टर केडी के सामने तो मैं भूत बनकर जा ही नहीं सकता। अरे तू जानता नहीं, वो आदमी पागल है। मेरी आंख में अगर वो मिर्ची पाउडर डाल देगा तो आंखें फूट जाएंगी मेरी। हस्या, अगर तेरी आंखें फूट जाएंगी ना तो चलेगा, पर अगर तू नहीं गया ना तो आकाश की शादी टूट जाएगी। क्या मुसीबत है यार। अरे रजनी, तू मंदाकिनी और श्रीदेवी को नहीं जानता, वो दोनों की दोनों शेरनी है। शेरनी केड़ी को झेल लूंगा, पर ये दोनों शेरनियों को नहीं झेल सकता। वो साउथ के हीरो जैसे विलन को तोड़ तोड़ के मारते हैं ना, वैसे उछाल उछाल के दोनों मुझे मारेंगी। ससुर जी, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तू है, इसी वजह से तो ये मुसीबत है। ये तेरी वजह से ही सारी हेरा फेरी कर रहा हूँ। ये मेरे या आपकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। हर एक इंसान ऊपर से लिखा कर आया है, और आपका तो एकदम स्पेशल केस है, हैं? माथे पे पूरी फिल्म लिखा कर आए, तो देखनी तो पड़ेगी। तू क्या पढ़ रहा है? ससुर जी, टेंशन नहीं। हमें ना एक ऐसी सेटिंग करनी है जिससे डॉक्टर सीआईडी। सीआईडी कहाँ से आ गई इसमें भाई? केडी। हाँ, डॉक्टर केडी, उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि भूत सच में होता है। कैसे? वो कैसे? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए ना, आप बस डॉक्टर केडी को शमशान में लेकर आइए, बस। जिंदा या मुर्दा? तू चल। पार्टी आ रही है, सब लोग तैयार रहो। मम्मी, ये गाना कौन गा रहा है? मुझे क्या मतलब? मैं कार का म्यूजिक बंद करके आता हूँ। अरे रजनी भाई, आप भी ना। आया आया आया। मैं क्या कह रही हूँ, रजनी भाई, आप हमें इस वीराने में लेकर क्यों आए हैं? आकाश आकाश के पापा का भूत तो घर पर भी आता है ना। अभी मुझे तांत्रिक महाराज ने ये कहा कि हाँ? अपने घर पे शुभ प्रसंग हो ना, हाँ? तब आत्मा को घर पे नहीं बुलाना चाहिए। ए, हाँ? ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, और अगर गलती से ये आत्मा यहाँ आ गई ना, तो मैं उसकी मुंडी पकड़ के यहीं पे धूल चटा दूंगा। क्या था? अरे कोई चमगादड़ उड़ा होगा। वो कोई चमगादड़ नहीं था, वो लेट कड़के भाई थे। ओम शांति। जैसे लेट नाइट तुम्हारी सोसाइटी में कुत्ता भौंकता है ना, बिल्कुल उसी तरह शमशान में आत्माएं भौंकती हैं। तो फिर मुझे हसमुख भाई की आत्मा नजर क्यों नहीं आती? बोल। अगर किसी खास आत्मा के पास जाना हो ना,
तो किसी खास जगह पर घास पर कोई विधि करनी होगी। चलो हमको एक घास वाली खास जगह जाना होगा। चल चलो 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 आ जाओ। यहाँ तो हर जगह आत्माएं भटक रही हैं। पापा चलिए यहाँ से, बहुत डर लग रहा है। डर मत बेटा, थोड़ी ही देर में मैं साबित कर दूंगा आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। इस वहम को तो मैं आज खत्म करके रहूंगा। हथियार, मैं अपने हथियार का बैग लेकर आता हूँ, अभी आया। हथियार? अंकल मत बुलाओ प्लीज। अरे तुम खामखा डर रहे हो आकाश। समझाओ यही है वो खास जगह है कि नहीं? हाँ। सबके सब इस चक्र के अंदर ही रहना, अगर बाहर रहोगे तो कोई ना कोई आत्मा तुम्हारी बॉडी में एंट्री मार लेगा। तो इस आत्मा को मैं चैलेंज करता हूँ कि आओ, आओ मेरी बॉडी में एंट्री कर जाओ। पापा ये क्या बोल रहे हो, अभी तो मुझे आपसे ही बहुत डर लग रहा है। चांदनी बहन बिना छोड़ो, एंट्री करो। चुड़ैल, डी फॉर डायल, एंड ई फॉर ये आत्मा बहन पहले नर्सरी की टीचर थी। कोई डरना मत, घबराने की जरूरत नहीं, ये कोई चुड़ैल नहीं है, कोई फालतू एक्ट्रेस है ये। इसकी पिक्चर रिलीज करता। संधी जी क्या कह रहे हैं, लेडीज भूत है, थोड़ी इज्जत से बात कीजिए ना। सॉरी सॉरी, मगर इसका सत्य सामने लाना ही होगा। पापा क्या कर रहे हैं? ये पेट्रोल है, इसे मैं इसके चारों तरफ डालूंगा, फिर इसमें आग लगा दूंगा। आग लगाऊंगा और तेरे झूठ को सामने लाऊंगा। वो एक्ट्रेस कहेगी अब देखना, अब तो रियल लाइफ भूत ही बन के खोपेगी। अब ये आग कैसे बुझेगी? मैं बुझाऊंगा ये आग। आकाश के पापा, देखिए पापा कहाँ चले गए? मैं यहाँ हूँ। आकाश के पापा, तुम्हें मुझसे मिलना था ना? मिलना था। आओ आओ, मुझसे मिलना है, आओ गले मिलते हैं हम, आओ। देखना अब मजा आएगा, तुम एक सच्चे भूत हो या नकली भूत हो अब भी साबित हो जाएगा। भूत हो जाओ, कोई नहीं घबराएगा। अगर ये आत्मा है ना तो इन्हें गोली लगेगी नहीं। सब लोग चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। मारने दो ना, अब मैं गोली चलाऊंगा। चलाओ गोली। आकाश एक बार फिर से मारो। चमत्कार, अब के तो इसे लगेगी। तेरी पांचों पांच गोलियां मेरे पास है। आपको गोली क्यों नहीं लग रही है? भूल गए?
तुम्हें कहा था ना कि आत्मा को गोलियां नहीं लगेगी। अंधश्रद्धा का निर्मूलन करते हो ना तुम। ये सारी गोलियां अगर अब मैं फेंक कर मारूंगा ना तो तुम्हारा भी निर्मूलन हो जाएगा। मारू 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 गोलियां मारू। ऐसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानता हूँ आप भूत हैं। मैं मान गया हूँ, बिल्कुल मान गया हूँ। और हाँ एक बात याद रखना, भूत बंधुओं की कभी बदनामी मत करना, समझ गए तुम। और तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे की शादी नहीं होती तब तक कोई गड़बड़ मत करना। बंधु चल, अब मेरा समय हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा। सुनिए, शादी की तारीख तय हो जाएगी तो मैं आपको खबर कैसे करूंगी? मंदु, मैं यहाँ वहाँ हर जगह रहता हूँ। डोंट वरी, मुझे पता चल जाएगी तारीख, ओके? और हाँ, मेरी आत्मा को शांति मिले उसके लिए प्रार्थना नहीं करोगे? चलो आंखें बंद करो। हाँ हाँ पूरे हैं। जग्गू दादा, सॉरी सॉरी जग्गू दादा, लाइट वालों के, साउंड वालों के सबके पैसे दे दिए, और ये आपके पैसे फुल एंड फाइनल। हाँ ये ले, गिन ले। जग्गू दादा मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैंने पहली बार चुड़ैल की एक्टिंग की है। बेटा कैरेक्टर को समझना सीख, थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर। जो भी ऐसी डरावनी जगह है ना तू वहाँ जा। अन्ना हैरम कुड़ चल लो। हाँ बराबर। अरे ये मलयालम में बोल रहे हैं 1000 रुपए कम है, चांदी ये क्या बात हुई? ए पार्ट इज्जत का कचरा करा दिया। अबे जग्गू दादा एक्चुअली हमारे प्रोड्यूसर हमें छोड़कर चले गए, हम तो छोटे से नौकर हैं। दिवाली डिस्काउंट दे दीजिए। इट्स ओके इट्स ओके, दुआओं में याद रखना। चलो चलो फोटो खींचते हैं। क्या बात है। अच्छा जग्गू दादा, पहले जो 3-4 भूतों ने पासिंग की थी वो तो कमाल की थी, ऐसा लग रहा था असली के भूत है। बढ़िया बढ़िया, बुला लो ना फोटो के लिए। यस यस, मैंने किसी को नहीं बुलाया था, वो सचमुच भूत होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जजमान। आइए बैठिए ना, आइए बैठिए 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 बैठिए। महाराज शादी की तारीख निकली? हाँ मैंने शादी की तारीख निकाल ली है। अगले महीने की 3 तारीख शादी के लिए सबसे शुभ है। तो 3 तारीख फाइनल रखते हैं। आपको चलेगा ना? हाँ हाँ मुझे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ, चलेगा चलेगा। अब तो बस हसमुख भाई की आत्मा को शांति मिल जाए। मैं क्या कह रहा हूँ महाराज जी, आप जब मुहूर्त निकाले ना तो उसमें एक मिनट। श्री देवी बहन। हाँ हाँ। वर्षों से हमारा परिवार आपके परिवार की पूजा विधि विधान से करता आया है। सच बात है। इसलिए मैं आपको जो भी कहूंगा सच कहूंगा। लड़का लड़की की कुंडली बहुत अच्छी मिली है और अगले महीने की 3 तारीख शादी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अरे नहीं 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 बाबी, नहीं 3 तारीख नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों नहीं रजनी? अरे समझने की कोशिश कर भाई, वहाँ बरोड़ा में जो हमारे करीबी दोस्त है ना उनके यहाँ भी 3 तारीख की शादी तय हुई है। याद आया, बरोड़ा में आपके कौन से दोस्त है? अरे मंदा भा, मंदार मंदार भार्गव, उसके यहाँ शादी है 3 तारीख को ही शादी है। तो तू एक काम करना रजनी, 3 तारीख को उसके यहाँ शादी में तू ही चले जाना, मेरी कोई जरूरत नहीं है वहाँ, है ना? यहाँ तो मेरे घर की शादी है, मुझे तो यही रहना पड़ेगा ना। देखिए आप शॉपिंग करने के लिए आप मुंबई जाइए, पेरिस जाइए, अहमदाबाद जाने का क्या मतलब है? समधी जी अहमदाबाद बहुत आगे है। लेटेस्ट फैशन पहले अहमदाबाद आती है उसके बाद पेरिस जाती है। अरे पर हाँ मम्मी और जूही, आप लोगों को अगर ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए ना तो mybeautybazaar.com पर जाइए। हाँ ये देखो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ सारे इम्पोर्टेड सामान मिलते हैं। तो कल से ही शॉपिंग शुरू कर देते हैं ना। मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। देख भैया अब तू और कोई बखेड़ा खड़ा मत कर देना प्लीज। नहीं, नहीं। देखिए मैं सपना को सब कुछ सच बताकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं आकाश नहीं पार्थ हूँ,
मुझे झूठ बोलकर शादी नहीं करनी है ससुर जी। तुमने तय कर लिया है कि मुझे मार डालना है, खत्म कर देना है? हाँ। तू सपना को चाहता है? हाँ। उससे सच्चा प्रेम करता है ना? हाँ। तो जो सच बताना है वो शादी के बाद बता देना ना, सब ठीक हो जाए। लेकिन मैं अभी, मेरी बात सुन, अगर तू अभी उसे सच्चाई बताएगा ना तो मेरा जो बड़ौदा का अनडिक्लेयर्ड अकाउंट है ना उसकी पोल खुल जाएगी और मैं मर जाऊंगा। इसलिए जो भी कहना हो ना, सच हो या झूठ, शादी के बाद कहना। ओके। तूने महाभारत की स्टोरी सुनी है? उसमें पांडवों के हित के लिए धर्मराज भी झूठ बोले थे, नरोवा कुंजरोवा, जानता है? आ तुझे मेरी महाभारत समझाता हूं। चल। क्या हो गया मम्मी, क्या देख रही हैं आप? अभी अभी तेरे पापा ने दर्शन दिए हैं। मैंने कहा था ना, वो यहीं कहीं है हमारे आसपास। आपने देखा उन्हें? तुम्हारा हो गया, जाओ अभी। हाँ तो फिर यहीं मिलते हैं, सब यहीं पर जमा होंगे, ठीक है? और हाँ, शॉपिंग में तुम बिल्कुल कसर मत छोड़ना, ओके? यस डैडी। देखो, एक तोला चाहिए, वहाँ 10 तोला सोना खरीद कर देना। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके सारे क्रेडिट कार्ड में साफ कर दूंगी। आप लोग सब शॉपिंग करो, अभी मेरे पीने का टाइम हो गया। दवाई टाइम हो गया ना, दवाई पीने का टाइम हो गया। अंकल मम्मी को दवाई दिलवा दीजिए और ध्यान रखिएगा, मम्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पिलाओ दवाई, जल्दी पिलाओ। चलो चलो चलो। अरे इस मॉल में हम क्या करने आए हैं और मुझे क्यों साथ में ले आए हो आप? अरे भाई संन्यास लिया तो भगवा कपड़े तो चाहिए ना, और मारे किसी लेनदार की दुकान भी इसी मॉल में ही है, उसको पैसे भी देंगे। अरे पर आप क्यों उसको पैसे देंगे? उस हसमुख की आत्मा ने शांति मिले और मारिया। यही चीज देखने बाकी। जी? मैं एक बात कहूँ, आप अपनी शॉपिंग कर लीजिए और हम अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। पापा पर क्यों? बात को समझो बेटा। हाँ, यही सही रहेगा, टाइम भी बच जाएगा। चलो बेटा आओ। बेटा जहाँ से जो लेना चाहो ले लेना, बिल्कुल फिक्र मत करना। आज ही के दिन में सारी शॉपिंग खत्म कर देंगे, है ना? अरे तू कल की नौबत ही मत आने देना। अरे इस तरफ चल जाए ना, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। चलो देखो देखो यहाँ इस तरफ, चलो चलो ये बहुत चले चलो। क्या हुआ? अरे क्या ऐसे कपड़े पहनेंगे शादी में? लोगों को इम्प्रेस तो करना पड़ेगा ना। ऐसे कपड़े पहन के तुम्हारी अक्कल तो ठीक है, जरा देखो तो हमें कहाँ ले आए हो। अंदर तो पहनने पड़ेंगे ना। हाँ देखा। बस बस बस, ऐसे नहीं रोते बेटा, बस बेटा, रोने से पापा वापस तो नहीं आने वाले ना। लोग तुम दोनों को देख रहे हैं। पापा को याद करके रो रहा है, शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं ना, इसे पापा याद आ रहे हैं। ये क्या आंखें मार के देख रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? पागल हो गई कि तू? यो देख, इंसान इंसान में कितना प्रेम से है, और तू पैसे से प्रेम करती है। मोमाया से दूर रह, अब चल। चले गए, गए, चले गए, सच में गए, 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 देखा इसके आंसू गए। चलो चलो चलो, हम यहाँ से किसी और दुकान में चलते हैं। तुम्हें यहाँ से कुछ खरीदना है या हो गई शॉपिंग? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ लाल लिंगरी। हसमुख भाई,
आप पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं वाकई। पापा क्या हुआ, चलो ना। देख तेरे ससुर साहब कितना अच्छा पियानो बजा रहे। पापा ये ऑटोमेटिक है। क्या? ऑटोमेटिक है। और पापा प्लीज यहाँ पर आप भूत भूत की बातें मत करो, अब चलो। ठीक है बेटा चलो। श्रीदेवी आज ही शॉपिंग खत्म कर देना। हाँ रेगुलर शॉपिंग के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है अभी, जल्दी। इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो यहीं खड़ी हूँ। ये आवाज, ए तूने सुना? तेरे भूत ससुर की आवाज सुनी है मैंने। पापा प्लीज आप बार बार मुझसे भूत की बातें मत करो। नहीं आपके दिमाग में क्या भूत बैठ चुका है? नहीं नहीं तेरे ससुर की ही आवाज थी वो। क्या कर रहे हो? हेलमेट बहुत बहुत अच्छा हेलमेट, हम भाई खरीद लेंगे भाई। अरे भाई ये हेलमेट मेरा है। तेरा है? हाँ। तेरी शादी हो चुकी है? हाँ। अभी अभी हुई है? हाँ। तो एक काम कर, हाँ? इसे घर में भी पहन कर रखना सेफ्टी के लिए। हेलमेट सेफ्टी के लिए घर में? तू गलत समझ रहे यार, जाना। अरे यार जल्दी से निकलना पड़ेगा, उस चांदनी बार और रजनीगंधा को ढूंढो जल्दी, यहाँ से भागना पड़ेगा। चल, 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 चल। रजनी भाई आप यहाँ पर? मंदाकिनी भाभी आप अहमदाबाद में? हाँ हम लोग तो यहाँ शादी की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, और आप भी यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। रजनी भाई ये कौन है? मैं बताता हूँ। मेरे फ्रेंड की दूसरी पत्नी है ना? हाँ? नहीं पत्नी तो एक ही है। हाँ? पत्नी की दूसरी बेटी है ना? हाँ? उसके पति की माँ बनी है। बन गई है? 24 साल पहले। अच्छा। और इसी साल इनके हस्बैंड गुजर गए। अच्छा अच्छा। नहीं भाभी नहीं, ये तो फ्रेंड्स, चलना अभी। अरे रुको। हा? मेरे बारे में तुमने सब बता दिया, पर मुझे भी इनके बारे में बताओ ना। बोतल वाला आ गया है। बोतल? अब तो मुझे जाना ही होगा, बाय। बोतल मतलब इनको बोतल कलेक्शन का शौक है। अच्छा। खंबा, हाफ, क्वार्टर, कभी कभी 90। ओके बेटा ये कैसी बोतल होती है? अरे मम्मी मैं आपको घर पहुंच के समझाता हूँ, चलिए। अच्छा रजनी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, डॉक्टर केड़ी और उसकी बेटी यहीं पर है। भागना ही पड़ेगा, मंदाकिनी भाभी और आकाश भी यही है। मंदाकिनी और श्रीदेवी का आमना सामना हो गया तो आज मेरा आखिरी दिन। अगर गलत ट्रैक पर जाकर जिंदगी की हेरा फेरी करोगी तो यही होगा ना यार। ये दो दो शादियों के फेरे लेकर मेरी जिंदगी की हेरा फेरी हो गई है। काम कर, तू चांदी को ढूंढ, मैं अपनी अमावस्या को ढूंढता हूँ, यानी श्री देवी को ढूंढता हूँ, और तू सपना को ढूंढ, जल्दी चल चल चल। अरे गधे, चांदी को ढूंढने का मुहूर्त क्या रात का निकालने वाला है? नहीं नहीं तो चल जल्दी चल। कमाल आदमी है ये, इसे जाना कहाँ है और ये जा कहाँ रहा है? साड़ी मैंने पसंद की है। सुनिए बहन जी, आप दूसरी साड़ी पसंद कर लीजिए ना प्लीज। नहीं जो मुझे पसंद आए वो कोई और लेने की कोशिश करे, ये मुझे पसंद नहीं। और मेरी पसंद की हुई चीज कोई और ले ले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो आप ही रखिए, नो प्रॉब्लम। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। वेलकम। हसमुख पेमेंट कर दो जल्दी। आपके पति का नाम हसमुख है? हाँ मेरे पति का नाम भी हसमुख था। था मतलब आपके डिवोर्स हो गए हैं? नहीं वो गुजर गए। ओह सो सैड। पर आज भी उनकी आत्मा मेरा ख्याल रखती है, और इस वक्त भी वो मेरे आसपास ही हैं, ऐसा लगता है मुझे। सो लकी यू आर। थैंक यू। आपके पति गुजर गए हैं फिर भी आपको लगता है वो आपके आसपास हैं, आपका ध्यान रखते हैं। और एक मेरे पति को देखो, साड़ी के बिल का पेमेंट करने का आया तो गायब। सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेटी की शादी होगी या नहीं। आपकी बेटी की शादी है? हाँ।
मेरे बेटे की भी शादी है। Congratulations and all the best. Thank you. आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. मैं हसमुख को ढूंढ कर लाती हूँ। हसमुख! ठीक है। हसमुख! हसमुख! आप ये देखिए। हाँ। ये वाली? अरे फोन। लगता है ये अपना फोन भूल गई। कहाँ ढूंढू इसे? कहाँ चली गई ये? हेलो हेलो श्रीदेवी, तुम कहाँ हो? अरे मैं श्रीदेवी नहीं हूँ, मैं मंदाकिनी हूँ। श्रीदेवी को लगाया, मंदाकिनी को कैसे लगा? तो श्रीदेवी का ही है। हेलो हेलो हेलो, आप उनके पति हैं ना? हाँ, मैं हसमुख जोबन पुत्रा ही बोल रहा हूँ, श्रीदेवी का हस्बैंड। आपका नाम और आपकी आवाज बिल्कुल मेरे पति जैसी है, एकदम सेम टू सेम। अभी भी सेम लग रहा है? नहीं। अच्छा सुनिए ना, आपसे कहाँ मिलूं? ये फोन लौटाना है ना? अरे मर गया। हलवाणो, अरे ऐसे डर रही हो जैसे मैं भूत हूँ। हसमुख मेरा फोन कहीं खो गया है। मैं तुम्हें नया लेकर दूंगा। नहीं हसमुख, उसमें मेरे बहुत सारे फोटोज हैं, लगता है उस शॉप में रह गया होगा। चलो ना मेरे साथ ढूंढने। अरे पर सुनो, चलो मेरे साथ लेकर दे। चलो हसमुख, तो सुनो पर। फोन, मेरा फोन। थैंक गॉड, आप मिल गई। ये लीजिए, आपका फोन दुकान में ही रह गया था। अरे उस दुकान में चलिए ना। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, सच कहूँ तो मैं इतना टेंशन में आ गई थी ना। अच्छा हुआ ये फोन आप ही को मिल गया। वैसे एक बात कहनी थी आपसे। हाँ? हमारे हस्बैंड के नाम तो एक ही है पर उनकी आवाज भी मिलती जुलती है। ये कौन बैठा हुआ है? अरे ये तो इनके शूज की लेस निकल गई है, वो मान रहे हैं। हसमुख, ये मेरा फोन लौटाने आए हैं। हसमुख भाई, हेलो हेलो हेलो। देख तूने राजा बेहती रे रानी एज कहानी रे, जामियो रे के गोरा सड़ो। सुनो ना, तुम शॉपिंग करो, मैं सुसु करके आता हूँ। मम्मा। हाँ बेटा। मामा मुझे बहुत भूख लग रही है, चलिए ना। ये है मेरी बेटी, बहुत सुंदर है। हाँ। मुझे भी ऐसी ही बेटी चाहिए थी पर ये जल्दी गुजर गए ना। ओ यार, सो सैड। कोई बात नहीं, इसी आप अपनी बेटी ही समझ। हाँ? वहाँ सेकंड फ्लोर पर भूत देखा गया। भूत? भूत जरूर मेरे पति का ही होगा। सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, बाय बाय। चलो ना हम भी भूत देखने चलते हैं। उसे देख लो ना, मैं नहीं लगता तुम्हें जिंदा भूत जैसा। चलो 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 चलो। आकाश आकाश, ये लो मम्मी भी आ गई। तुमने अपने पापा का भूत देखा क्या? आपने देखा क्या? नहीं मैंने देखा तो नहीं, पर मुझे लगातार लग रहा है कि समधी जी का भूत आसपास ही कहीं है। सेकंड फ्लोर ही कहा था उसने, तुम मुझे क्यों नहीं दिख रहा? तो फिर घर चलें। नहीं नहीं, मुझे इसके लिए कुछ ज्वेलरी लेनी है। तो ठीक है, आप लोग ज्वेलरी ले लीजिए और हम लोग कॉफी भी कहते हैं। चलो आकाश। चलो बेटा, मैं तो जूही के साथ ही रहूंगा। चलो चलो। कितने पैसे? 100 रुपए। अरे मेरा डेबिट कार्ड कहाँ गया? सॉरी यार दोस्त। अरे दोस्त मेरा डेबिट कार्ड यहाँ रह गया क्या? सॉरी सर, यहाँ कोई डेबिट कार्ड नहीं मिला। प्लीज चेक करके तो देखो, दिक्कत क्या है? सीसीटीवी है ना? हाँ है ना, तो प्लीज चेक कीजिए ना, मिल जाएगा। हाँ आप शायद 1 घंटे पहले आए थे ना? हाँ, हाँ।, हाँ देखता हूँ।
एक मिनट क्या आपको मिला? पीछे लो जरा रुको। ये आपका डेबिट कार्ड है क्या? अरे नहीं, ये आदमी तो जिंदा है। अरे साहब, आदमी तो जिंदा ही होगा ना, भूत थोड़े यहाँ शॉपिंग करने आएगा। करेक्ट, भूत शॉपिंग करने नहीं आएगा, और भूत होगा तो कैमरे में तो नजर नहीं आएगा ना। पकड़ा गया, ये आदमी तो पकड़ा गया, ये आदमी जिंदा है भाई, मुझे सबूत मिल गया। आप पागल हो क्या? अरे पागलों का डॉक्टर हूँ, इस आदमी ने मुझे पागल बना रखा था, मेरी नाक काट दी थी, अब मैं तेरी नाक काटूंगा हसमुख जोबन पुत्रा। ये डॉक्टर केडी तुझे ऐसी जगह काटेगा, ऐसा काटेगा कि तुझे मरहम लगाने में भी दर्द होगा। समधी जी, आपने फोन पर बताया कि जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? 3 तारीख को बारात अहमदाबाद में लेकर आई है। अहमदाबाद पर क्यों? प्लीज ना मत कहिएगा, मेरे बड़े बुजुर्ग अहमदाबाद में हैं और मेरे सारे रिश्तेदारों की ख्वाहिश है कि बारात यहीं पर रहे। हाँ, पर शादी में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं, तो शादी का हॉल मिल पाएगा क्या इतनी जल्दी? हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, अहमदाबाद में एक शगुन पार्टी हॉल है, मैंने उसे बुक कर लिया है। ठीक है फिर। क्या बात कर रहा है, डॉक्टर केडी ने शादी बड़ौदा से अहमदाबाद शिफ्ट कर दी, और वो भी बगल वाले पार्टी प्लॉट में, साला धोबी का कुत्ता बना दिया। एक तरफ मेरी शादी और एक तरफ इनकी शादी, एक तरफ मेरी बेटी की शादी, एक तरफ बेटे की, एक तरफ तू जिंदा, एक तरफ तू मरा हुआ। मर चुका हूँ। हे भगवान, ये शादी कैंसिल। ओ ससुर जी, पोस्टपोन मेरा मतलब। ऐसा बोलिए ना, मैं क्या करूँ। श्रीदेवी, हाँ श्रीदेवी, श्रीदेवी, हाँ? श्रीदेवी, एक सीरियस मैटर है। मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो, लेकिन ये जो शादी है ना 3 तारीख वाली, ये हमें पोस्टपोन करनी पड़ेगी। क्यों? देखो, सुनो, हम जैसे डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन लेते हैं ना, हाँ? वैसे मैंने ज्योतिषी का सेकंड ओपिनियन लिया, तभी मुझे पता चला। देखो, हमारे महाराज ने जो मुहूर्त निकाला है ना 3 तारीख का सपना की शादी का, वो बिल्कुल गलत है। इस महाराज ने ये बताया कि सपना का गुरु बल अच्छा नहीं है, और अगर 3 तारीख को ये शादी होती है तो मेरी जान पर खतरा है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम भी विधवा हो जाओगी। क्या तुम भी कोई आलतू फालतू पंडित पर विश्वास कर लेते हो? अरे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। अरे पर सुनो, ये जिस महाराज ने 3 तारीख का मुहूर्त निकाला है ना, वो मेरे मायके के महाराज हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, और उन्हीं के पिताजी ने हमारी शादी का मुहूर्त निकाल के हमारी शादी करवाई थी। इसीलिए हमारी शादी में कोई दिक्कत थी? हाँ, ना। हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही है ना, ना हाँ। बस ये शादी किसी भी हालत में पोस्टपोन नहीं होने वाली। अरे पर और ये क्या हो गया हसमुख तुम्हें? क्या हुआ? देखो तो तुम कितने काले हो गए हो। मैं काला हो गया हूँ? हाँ, तुम एक काम करो, डॉक्टर बंसरी विरल का हेयर एंड स्किन क्लिनिक जो है ना, बंसरी विरल की, हाँ, तुम वहाँ जाकर ट्रीटमेंट करा लो। हाँ। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं ही तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स कराती हूँ। और ओके। प्लीज फेशियल जरूर कराना तुम। फेशियल? चलो बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। फेस ही दिखाने लायक नहीं रहेगा तो फेशियल करवा के क्या उखाड़ेगा तू? ये शादी तो कैंसिल नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। तू और कोई पार्टी प्लॉट ढूंढ निकाल जल्दी। अरे शादी की हॉट सीजन चल रही है, एक भी पार्टी प्लॉट अवेलेबल नहीं है, साला सबकी शादियां हो रही है, मैं ही रह गया। ए कुमार, ए कुमार, तू अपनी शादी की बात छोड़, शादी के दिन मेरा क्या हाल होगा ये सोच। कैसी हो? सारी तैयारियां हो गई ना? अरे बेटा, ये सारा सामान पंडित जी के पास रख दो। हाँ। कैसी हैं आप? जल्दी नहीं जाना है। हाँ, कैसे हैं? अरे रजनी भाई, आप यहाँ पर कैसे? आप तो बड़ौदा जाने वाले थे ना हसमुख के दोस्त की बेटी की शादी में? पर मुझे यहाँ की ज्यादा चिंता हो रही है। हाँ? मतलब? मेरा मतलब मेरे भी घर की शादी कहेंगे ना। एकदम सही बात है, अच्छा हुआ आप आ गए, हसमुख की मदद करिएगा प्लीज। उसे तो बहुत मदद की जरूरत पड़ने वाली है, काम है। आज का ये दिन हसमुख भाई के पिता होने का बहुत खास दिन है। हसमुख भाई की एक आंख में खुशी और हसमुख भाई की एक आंख में आंसू। एक तरफ बेटी की जिंदगी में नए जीवन का द्वार खुलने की मुस्कान है, तो दूसरी तरफ हसमुख भाई के दिल में बेटी के दूर जाने का बैठा गम है। भाई
मैंने मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों बार बार मेरा नाम ले रहे हो? क्यों हसमुख भाई, मुझसे कोई गलती हो गई हसमुख भाई? देखिए, आप बार बार मेरा नाम ले रहे हैं ना हसमुख भाई, तो सचमुच मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं आपको है ना मेरा नाम नहीं बोलने के डबल पैसे दूंगा, प्लीज, पर मेरा नाम मत बोलिएगा। ओके हसमुख। ए रजनी, 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 रुक जा। इस नालायक को कौन लेकर आया यहाँ पर? ये बार बार मेरा नाम बोल रहा है हसमुख भाई। इसको बता दे मेरा नाम ना बोले, वरना मैं इसका गला दबा दूंगा, सच कहता हूँ। इसे कौन लाया मैं नहीं जानता, मैं तो बड़ोड़ा की शादी की तैयारी। तो कौन लेकर आया इसको यहाँ? शायद श्रीदेवी भाभी के मायके की तरफ से होगा। इसीलिए नाम बोलने के लिए मना कर, वरना मारूंगा मैं इसे, सच कहता हूँ। ये शादी आज जल्दी से खत्म हो जाए, वरना मैं स्वर्गवासी हो जाऊंगा। फिर से बोला मेरा नाम नालायक। अरे कैसे हो तुम? श्रीदेवी जल्दी से सपना को यहाँ लेकर आओ। अरे बुलाया है, मंडप में कन्या को बुलाया है, जल्दी जाओ और उससे कहना फोटो बाद में खिंचाए, जाओ जल्दी। महाराज पूरी विधि शॉर्टकट में कर देना फटाफट। भाई मुझे विधि विधान मत सिखाओ, शादी तो पूरे विधि विधान के साथ ही होगी, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा यहाँ। अरे पर मैंने कुछ कहा क्या? कमाल करते हैं आप महाराज, मैंने कुछ कहा ही नहीं। अरे पहले साउंड लेके आओ। ए बाबला। हाँ मैं आता हूँ, कहीं भी जाना मत। हाँ अरे आराम से। हाँ क्या हुआ? सारा इंतजाम ठीक से किया है ना? सब बराबर है। देखो बगल वाले पार्टी प्लॉट से एक भी आदमी यहाँ नहीं आना चाहिए। देख मैं हूँ ना। नहीं देखो, भूल से भी अगर कोई आदमी यहाँ आ गया और मुझे देख लिया और भूत समझ लिया तो बेहोश हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मेरी टीम ने एक ऐसा शानदार अभेद किला बनाया है ना कि वहाँ से यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। अच्छा देखनी है आपको मेरी टीम? देखनी है? अरे वो देखिए मेरी टीम। अरे क्या भाग जाऊं, कन्या का बाप हूं मैं, कन्या दान करना है मुझे अभी। तो एक काम करो, ये केड़ी को पकड़ो और उसे लेकर जाओ यहाँ से कहीं दूर, जाओ जाओ जल्दी। अरे सुनो सुनो, एक मिनट, बहुत अर्जेंट बात करनी है, मंडप में एक आतंकवादी घुस आया है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। समधी जी आप यहाँ कैसे आ गए? अरे यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपको तो काफी बाद में आना था ना, तो जाइए, अभी तो लड़की वालों की सारी रस्में बाकी हैं। अरे पर आपकी विधि तो बगल वाले मंडप में है ना? यहाँ मेरी शादी है, किसकी बारात आ रही है? आकाश ही। आकाश ही तो मेरा दामाद है। चल बेटा। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी एक खींच के मुक्का दूंगा ना तो टकला है, चश्मा पहनता है, अपने आप को सज्जन कहता है, साइकोलॉजिकल डॉक्टर बताता है। वो यहाँ भाई की प्यारी बेटी सपना धीरे धीरे शादी के मंडप में आ रही है। महाराज कन्या आ गई है। लीजिए महाराज, कन्या आ गई है। एक ही मंडप में दो दो कन्या? हाँ यहाँ मेरी बेटी की शादी है और आप अंदर कैसे आए, और ये लड़की कौन है? अरे मेरा छोड़िए, आप कौन है और यहाँ कैसे आ गए? पार्टी हॉल हम बुक कराए और आप चलिए। नहीं 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 डॉक्टर केडी, मैं कब से आपको समझा रहा हूँ कि ये जो आपकी शादी है ना ये बगल के पार्टी प्लॉट में है। हाँ ये पार्टी प्लॉट हमने बुक करवाया है, यहाँ मेरी बेटी की शादी है। अरे पर ये कैसे मुमकिन है? ये पार्टी हॉल मैंने बुक कराया है और आपने इस पे कब्जा करके मंडप के नाम पे झोपड़ा बनाया है। झोपड़ा बुला रहा है? कौन है, कौन है ये आदमी? इसे बाहर निकालो, निकालो बाहर। बुला 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 अपने। अरे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, चलो ना वहाँ जाके बाहर। पटाखे फूटे, हमारे पटाखे फूटे, महारात आ गई। चलो चलो महारात आ गई। अरे वाह दो दो बाराते, अब तो नाचने में दुगना मजा आएगा। यहाँ तो दो दो बारातें आ गई। बहन हमें किस दूल्हे का स्वागत करना है? अरे आप यहाँ? अरे ये क्या आप भी? हम लोग मॉल में मिले थे, आप रजनी भाई के साथ वहाँ थी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ तो मेरे बेटे आकाश की शादी है। अरे नहीं नहीं, यहाँ तो मेरे बेटे आकाश की शादी है। रजनी भाई आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना। अंदर की सारी व्यवस्था चेक करने गया था। हाँ रजनी भाई आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ मेरे फ्रेंड की वाइफ है।
कमाल की बात है ना, हम सब लोग यहीं मिल गए। ये कोई संयोग की बात है या फिर कोई गड़बड़ है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर आप यहाँ बारात लेकर क्यों आई हैं? यहाँ तो मेरी बेटी सपना की शादी है। अरे नहीं नहीं, यहाँ तो मेरी बेटी चूही की शादी है। हाँ? क्या बोल रहे हैं ये? रह सब अपनी बड़बड़ बंद करो। किसी ने मुझे खबर दी है कि मारे बेटे पार्थ की आज शादी है। अरे अब ये कौन है? भूरा भाई, आप भी यहाँ? और पार्थ की नहीं, यहाँ मेरे बेटे आकाश की शादी है। नहीं होगा, पहले मुझे दोनों दूल्हे राजाओं के चेहरे देखने दो। हाँ देखो देखो। ये नहीं, वो मुंह छुपा रहा है, वही होगा। चलो हटो, सब हट जाओ, भीड़ लगा रखी है। तुम लोगों को गोली चला के समझाऊं के? हट जाओ, रास्ता दो। मुझे बॉर्डर क्रॉस करा दो। घोड़ी ने रिवर्स गियर क्यों लगा रखा है? हमारी बात समझ में आई के? चल थारा चेहरा दिखा मन जल्दी। हाँ, दिखा तेरा है क्या तू? मारा बेटा पार्थ, तू हमें बिना बताए शादी कर रहा है। मम्मी ये तो ट्रायल है, देखिए कैसा लग रहा हूँ। अरे ये तो मेरा बेटा आकाश है। पार्थ के बापू, आपने मुझे अंधेरे में रख के दूसरी शादी कर ली? मैं तो इसको जानता ही नहीं, ये तो बार डांसर है, बहन चांदनी। समधन जी बार डांसर? ये सब क्या गड़बड़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं आपको समझाता हूँ, चलिए अंदर। मैं हूँ डॉक्टर केटी साइकेट्रिस्ट, अभी सब डिटेल में समझा दूंगा, आ जाइए अंदर। चलो चलो। लगता है ये केड़ी आज मेरा भांडा फोड़ कर ही रहेगा। ये सब क्या चल रहा है श्रीदेवी बहन? कौन है ये सारे लोग? पुलिस को बुलाऊं? नहीं, आप जरा चुप रहिए प्लीज। अब बताइए समधी जी, क्या है ये हेरा फेरी? बताता हूँ बहन जी। हाँ? आप जरा अपने पति हसमुख लाल को बुलाइए। अरे नहीं भाई, हसमुख ना मत बुलाओ, हसमुख तो भूत है, सब भी मैं देखता हूँ, भूत निकल जाता हमारा भूत। अरे डॉक्टर केडी जरा देखिए, लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, शादी के शुभ प्रसंग में भूत नहीं बुलाना चाहिए। तो। अरे आप सब ये क्या बोल रहे हैं? मैं मंदाकिनी जी के पति हसमुख लाल को नहीं, श्री देवी जी के पति हसमुख लाल को बुलाने की बात कर रहा हूँ। बुलाइए, बुलाइए ना। बुलाऊं? हाँ। हसमुख, हसमुख डैड, हसमुख डैड, कहाँ है तुम्हारा डैडू? हमेशा एम वक्त पर ही गायब हो जाते हैं। नहीं नहीं है, यहाँ नहीं है। चलो हाँ, नहीं है, चलो 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 वहीं चलते हैं। आ जाओ। मेरे पति को डराना है तू? तेरा भांडा तो मैं ही फोड़ूंगी। चलता रहे, ये रहा हसमुख लाल, चल। अरे एक मर्दों के भूत से डरते हो? और ये कोई भूत नहीं। पापा 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 बताता हूँ। अरे पापा, वे बेटा, बेटा हसमुख, हसमुख अब जिंदा है। हसमुख बलियो भूत नहीं है। हाँ? नहीं, ये आदमी लोमड़ी से चालाक और भूत से ज्यादा धूर्त है। मुझे तो ना पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, आप इसकी बातों में आकर कंगाल हो गए। हाँ, ये मरा हुआ नहीं, जीता जागता भूत है। अरे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हर एक भूत के पीछे एक फ्रॉड आदमी होता है, इस भूत के पीछे यही फ्रॉड आदमी है। इसीलिए इसकी असलियत को सबके सामने लाने के लिए मैंने शादी की जगह ही बदल दी। मैं आपके हॉल में घुस गया जबकि मेरा हॉल बगल में ही है। इसका मतलब ये है कि हसमुख, आप आज तक हमें बेवकूफ बनाते रहे, भूत बनकर उल्लू सीधा करते रहे। हसमुख जल्दी बोलो, ये सब क्या है? नहीं तो आज सबके सामने तुम्हें यही मारूंगी मैं। आप क्यों मारेंगी? हा? मैं मारूंगी, ये मेरे पति हैं। अरे पहली पत्नी मैं हूँ तो मैं ही इसे मारूंगी ना। तुम कहाँ से पहली हो गई? पहली तो मैं हूँ, मेरे घर पहले मरे थे ना। चुप रहे। चंपाकली, चंपाकली किसी कह रही हो?
नागिन। अरे तुम दोनों झगड़ा मत करो प्लीज प्लीज प्लीज। देखो मैं तुम दोनों का कॉमन हस्बैंड हूँ। तुम गुस्सा मत करो प्लीज प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ। तुम रो क्यों रही हो मंदु? मंदु मंदुक ना हो इसे इसलिए कह रहा हूँ। प्लीज इसमें पूरी गलती जो है ना तुम्हारे ससुर जी की है, मेरे पिताजी की। देखो ये बात सच है कि मैंने मंदाकिनी के साथ प्रेम विवाह किया। देखा हाँ। मैं ही पहली हूँ। मंदु प्लीज समझो, तुम गुस्सा मत करो। देखो ये बात सच है कि मैंने प्रेम विवाह मंदाकिनी के साथ किया, पर मेरे पिताजी ने क्या कहा पता है? कि मैं किसी भी ऐसी वैसी लड़की को अपने घर की लक्ष्मी नहीं बनने दूंगा। मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी तो श्रीदेवी ही। इस श्रीदेवी के पिताजी जयंती चाचा ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। हाँ, कुएं में सर पटकने की वजह से मर गए बेचारे। और उनकी चिता पर मेरे पिताजी ने वचन दिया था कि मैं श्रीदेवी को अनाथ नहीं रहने दूंगा, अपने घर की लक्ष्मी बनाऊंगा। इसलिए मुझे जबरदस्ती इससे शादी करनी पड़ी। नहीं रोना नहीं, रोना नहीं श्रीदेवी। तुम गुस्सा मत करो मंदु। मंदु तुम दोनों का दिल ना टूटे, हमारे घर ना बिखरे, हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए मैं रोज रोज हेरा फेरी करता रहा। ना चाहते हुए भी तुम दोनों से लगातार झूठ बोलता रहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मतलब इसका मतलब ये भी हुआ कि पार्थ तुमने भी मुझसे झूठ बोला? सपना मेरी बात सुनो। झूठा नाम और झूठी माँ। अरे रे रे रे, इस बार डांसर को तूने माँ बनाया। बार डांसर नहीं है ये, इन्हें मैंने अपनी बहन माना है। और सपना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सपना। अगर मैंने सच बताया होता तो तुम्हारे पापा का झूठ पकड़ा जाता। मेरा नाम नकली है लेकिन मेरा तुम्हारे लिए प्यार बिल्कुल असली है। मैंने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा अपने प्यार के आगे। प्यार को साबित करने के लिए इससे ज्यादा क्या करूं सपना। बेटा ये सच कह रहा है। एक्चुअली ये तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोका। मैंने उससे कहा कि तू सच मत बताना, सब मेरी गलती है, मेरा पाप है बेटा, मुझे माफ कर दो। सॉरी सपना। इट्स ओके, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो तू गया काम से। माँ, इस इंसान की वजह से आज पापा सुधर गए हैं। अगर इनको कुछ किया ना तो आज से मैं आपका बेटा नहीं, आप मेरी माँ। पर तू जानता नहीं है इसकी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है। रहने दे तू भी ना, यो तो अपना इकलौता बेटा सा, यो नहीं रहेगा तो इतनी दौलत का मैं क्या करूंगा। जा भाई जा, तना आज से माफ कर दिया हसमुख। थैंक यू भोरा भाई। ये देखो बाहर वालों ने मुझे माफ कर दिया, तुम दोनों के साथ तो मैंने अग्नि की साक्षी में फेरे लिए हैं। तुम मुझे माफ नहीं करोगी? माफ? आज मैं आपको साफ कर दूंगी, है ना दीदी? करेक्ट। चलो हसमुख। कौन हो आप लोग? इतने कलरफुल ड्रेसेस वाले कौन है आप सब? मैं कहाँ हूँ? ससुर जी की याददाश्त चली गई लगता है। वो हसमुख लाल जब तक जिंदा रहा तब तक अपनी दोनों ही बीवियों के बीच में सैंडविच के आलू की तरह पूरा दबा रहा। वो पूरी जिंदगी दोनों बीवियों को अपने झूठ से बेवकूफ बनाता रहा, पर खुद खंबे से टकरा के पागल हो गया और उसकी पूरी मेमोरी ही चली गई। उसकी दोनों पत्नियों ने खूब कोशिश की कि हसमुख को कुछ याद आ जाए तो दोनों उससे अपना अपना बदला ले सके और उसको मार सके, उसको बराबर सजा दे। अब समय खत्म हो रहा है तो सबको बता देता हूँ जो भी यहाँ मौजूद हैं कि जिंदगी की हेरा फेरी से अगर बचना चाहते हो ना तो अपनी शादी पर ध्यान रखिए।
और हमको तो श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। कन्हैया को तो पैदा होते ही ज्ञात था कि उनका भविष्य क्या है और उनको गीता का सार भी पता था, पर उन्होंने कभी भी वो ज्ञान गोकुल में किसी को नहीं दिया और ना ही गोपियों को वो ज्ञान दिया। वो तो बस अपने बांसुरी से ही नचाते थे। और शिशुपाल ने जब बुरा भला कहा तो बांसुरी नहीं बजाई श्री कृष्ण ने, उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। बस यही बात कृष्ण के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए कि कहां बांसुरी बजानी है और कहां सुदर्शन चलाना है। मत जानी लाइफ, फिर कभी भी ऐसी हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं। इसीलिए वर्षों से लोग एक ही बात कर रहे हैं कि अगर पति पत्नी में एक हो प्यार तो उन दोनों में कभी ना हो वार। और दाम्पत्य जीवन की सबसे सही व्याख्या है कि अगर अपने घर को सुखी रखना हो तो पति पत्नी दोनों के प्रयत्न की जरूरत है, पर दुखी होने के लिए किसी एक का ही प्रयत्न काफी। और एक जाने माने अंग्रेज है, उनका कहना है कि अगर खराब पत्नी तुम्हें मिलेगी ना तो तुमको तभी पता चल जाएगा। अगर खराब पत्नी मिलेगी ना तो तुमको तभी पता चल जाएगा दोस्त, पर अगर अच्छी पत्नी मिलेगी ना तो तुमको पूरी जिंदगी खबर ही नहीं लगेगी कि वो मेरे घर की लक्ष्मी थी। सायराम भाई वाह, क्या बात है। सायराम भाई आपके हर एक सत्संग में मजा आता है। हर एक मतलब? हाँ। आपको कौन से सत्संग याद है? मुझे बताता हूँ। We'll be right back.